हेलो बच्चा लोग, कैसे आप सब लोग? तो अपन फिर आ गए, ठीक है। पहली बात तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ बच्चा, आई एम सो सॉरी कि थोड़ा लेट हो गया लेक्चर में। तो बच्चा थोड़ा मेडिकल इशू था, आई होप आपको बताया था, ठीक है। तो थोड़ा सा तबीयत वगैरह का थोड़ा डाउन थी, इस वजह से बच्चा लेक्चर नहीं दे पाई थी। बट अब कोई दिक्कत नहीं है, अब अपन वापस से अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ वापस अपना चैप्टर को रिवाइज करेंगे और कंप्लीट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अपन इन दो दिनों के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करें। मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी बच्चा कि मैं आपको इस लेक्चर को ख़त्म नहीं करना है, अपन को इसको परफेक्शन के साथ इसको ख़त्म करना है, ठीक है ना बच्चा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो तो बातें तो होती रहती है अपने बीच में, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अपन ने सेल डिवीजन करने से पहले अपने सेल वाला जो चैप्टर था, है ना, वो अपन ने कंप्लीट करा था, बहुत अच्छे से अपने कंप्लीट करा। उसमें मैंने आपको एनसीईआरटी की हर एक बातें बताई थी, आई होप आपने उसको पढ़ा होगा, है ना। बच्चों मैं आपको फिर बोल रही हूँ, फिर आपको शायद कंफ्यूजन होगा कि आपको चीज़ें आती है बट थोड़ा आंसर की में प्रॉब्लम हो जाता है, पता नहीं कैसे, बट इस बार नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। इस बार जो पेपर बनेगा, इस बार आंसर की खुद मैं बनाऊंगी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लेना इस बात के लिए। तो आपको ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो आप सब लोग, मुझसे पूछते हो आप सब, मुझे पता चल जाता है कि बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंट होने, बच्चा ऐसा नहीं करना है, कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर ही रखो बच्चे। आंसर गलत हो रहा हो या सही हो रहा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर ही रखो बच्चा, ठीक है। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो अगला चैप्टर आपको दिख ही रहा होगा, डायग्राम मैंने बनाया है, इतने टीप के नहीं बनाया मैंने, ऐसे ऐसे बनाया है, ठीक है ना। चलो तो अब अपन अपना जो चैप्टर है कौन सा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं। बच्चा देखो सबसे पहले तो ज़्यादा, अब देखो मैं परिभाषा तो इसकी बताऊंगी नहीं, अपन जो मेन टॉपिक से जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चा मैं आपको बता दूँ, ये जो चैप्टर होता है वो पूरे नीट के पेपर का 4% लेता है। तो इससे क्वेश्चन कम से कम दो क्वेश्चन बनते हैं, तीन टॉपिक से जिससे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सेल साइकिल वाला टॉपिक जो अपन आज इंट्रो पूरा करेंगे अच्छे से, वैसे तो मैं इसके बच्चा थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा तो तुम रोना मत, ठीक है ना। हाँ, तो एक तो सेल साइकिल वाला, एक माइटोसिस और एक मियोसिस, ये तीन टॉपिक्स मेन से जिनसे आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, जो कम से कम आपके 8 नंबर का आता है, ठीक है। और 8 नंबर बहुत मायने रखते, सिलेक्शन हो जाता है, तो अच्छे समझ लो, और बहुत इजी टॉपिक है तो ज्यादातर बच्चों को ये चीज आती है, ठीक है। तो चलो देखो, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ लिखा नहीं है, लिखूंगी मैं आपके साथ, वैसे मैं लिख देती लेकिन फिर मैं सोचा लिख के फिर बोलती तो फिर ये रहता, तो इससे अच्छा है कि मैं फिर क्या करा, मैंने आपको ऐसे लिख दिया तो ये आपको रहेगा, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखो देखो सेल साइकिल क्या होता है बच्चा। देखो ऑर्गेनिज्म कोई सब, मैंने आपको छोटा छोटा बता देती हूँ इंट्रो, ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, है ना, एक यूकैरियोटिक हो, एक प्रोकैरियोटिक हो, मैं अभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बता रही हूँ बस, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म कोई सा भी हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, है ना, अगर उसको अपनी स्पीशी को आगे बढ़ाना है, आपको पता है ना, अगर उसको अपनी स्पीशी को आगे बढ़ाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से पता है कि अगर वो डिवीजन नहीं करेगा तो उसका जो जीन्स होगा, जो भी उसका जीन्स जीन है ना, जो होगा वो आगे जनरेशन में नहीं ट्रांसफर होगा। अगर बच्चा ऐसा नहीं होता तो शायद स्पीशी कब की खत्म हो जाती होती, लेकिन ऐसा नहीं हो। अपन ने बात करी थी सब चीज़ें कि कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेल से मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म बना है, तो यूनिसेल से मल्टीसेल बना है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो किया होगा उसने, और उसने क्या किया है, सेल डिवाइड करी है। अब एक बात मैं आपको बता दूं बच्चा कि लोअर प्रोकैरियोट्स बोल लो या लोअर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन ही उनका रिप्रोडक्शन पार्ट होता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो अपने अंदर भी है, अपन बोल सकते हैं, लेकिन अपन अपने अंदर इसको अपन रिप्रोडक्शन नहीं बोलते, बस एक सेल डिवाइड बोलते हैं और एक ऑर्गेनिज्म बनाया है वैसा बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो लोअर प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके अंदर सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। खैर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, ये जो लाइन मैंने बोली है इस लाइन को अभी सुन लो, ये लाइन जब मैं बताऊंगी, जब अपना माइटोसिस वाला कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि अपन माइटोसिस तक तो कंप्लीट ही करें बच्चा। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, मैं इसको ऊपर से नहीं लेके जाऊँगी, थोड़ा सा डीपली चलेंगे, थोड़ा सा डीपली चलेंगे, तो प्लीज़ थोड़ा सा सही से रहना, ठीक है ना। हाँ, तुम रोने लग जाओ तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले तो सेल साइकिल क्या होती है, तो सेल साइकिल आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म कोई सा भी हो, ऑर्गेनिज्म कोई सा भी हो, है ना, अगर वो अपनी स्पीशी को बढ़ाना चाहता है, अब वो भले प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, मैं दोनों की बात कर रही हूँ बच्चा, लेकिन ज़्यादातर ये जो जो भी अपन पढ़ रहे हैं ये यूकैरियोटिक के, ये आप समझ जाओ, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म में जो सेल होती है अपने आप को डिवाइड करने के लिए, अपने जनरेशन को, अपनी जीन को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, एक कंटिन्यूसली पैटर्न चलती है, कंटिन्यूस पैटर्न, जानते हो ना कि भाई एक समय में ये चीज़ें होगी। देखो मान लो जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल है, ठीक है, अब ये यूनिसेलुलर है, इसको पता है कि यूनिसेल है, अगर इसको मल्टीसेलुलर बनना है, ऑर्गन सिस्टम बनाना है, तो इसको बहुत बार डिवाइड, लाखों करोड़ों बार डिवाइड करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो मान लो दो सेल बनी, ये दो सेल बन गई, फिर है ना डिवाइड करा, इसने सेल डिवाइड करी, दो सेल बनी। अब अच्छा
क्या वापस से ऐसा होगा? क्योंकि इस एक सेल को आगे जाके अभी तो पूरा एक बॉडी बनना है, तो बॉडी बनने के लिए तो लाखों अरबों सेल्स चाहिए। इन दो सेल से काम हो जाएगा? नहीं। अब क्या होगा, इसमें से एक सेल तो जाके डिफरेंशिएट हो जाएगी। डिफरेंशिएट का मतलब होता है बच्चा सेल डिवाइड के अलावा कोई अदर फंक्शन करना, सेल डिवाइड के अलावा अदर फंक्शन में लग जाना, ठीक है। और जो एक सेल होगी, अब इसको इसने काम दे दिया कि भाई तेरा काम है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाना, यानी ये करेगी लगातार सेल डिवीजन। फिर ये आगे जाके फिर ये चली जाएगी, फिर ये वापस सेल डिवाइड, मतलब इस तरीके से ये नंबर बढ़ता चला जाता है। सारे समझ में आपको, मतलब ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, एक तरीके से बेसिक बता रही हूँ मैं आपको, है ना। तो ये ऐसा डायग्राम नहीं है, मैं आपको एक बात बता रही हूँ। और ये सभी में होता है बच्चा, आपने प्लांट सेल में सुना होगा, प्लांट सेल की जो फर्स्ट सेल होती है वो मेरिस्टमेटिक सेल ही होती है, पता है ना, जो हमेशा डिवीजन करती है। लेकिन एक दिमाग लगाओ, अगर हमेशा ही डिवीजन करती रहती तो प्लांट की ग्रोथ कैसे होती? वो हाइट में तो बढ़ जाता, लेकिन उसका अदर फंक्शन कौन कर पाता? आप खुद सोच के देखो, अगर अदर फंक्शंस नहीं होते तो क्या इतना डेवलप एंजियोस्पर्म हमें मिल पाता? शायद ही नहीं मिल पाता। और अगर यही बात मैं एनिमल्स के लिए बोलूँ तो एनिमल्स के लिए भी यही लागू होती है बच्चा, कि सेल अगर डिवाइड कर रही है तो वो कन्फर्म करे कि उसकी एक सेल आगे जाके डिफरेंशिएट करेगी और दूसरी सेल वापस से सेल डिवीजन के लिए इसमें आएगी। एक बात बताओ, यहाँ पर ये इस सेल ने एक बार डिवाइड करा, फिर वापस से डिवाइड करा, तो इसने वापस से उसी साइकिल को क्या करा, परफॉर्म करा, है ना। तो बच्चा इसी को बोलते हैं सेल साइकिल। समझ गए बात को? मैंने ना आपको मारवाड़ी भाषा में, देशी भाषा में समझाया है, तुम समझ जाओ, है ना। इतना तो लाखन के हो तुम, है ठीक है। तो चलो ध्यान रखना इस बात को, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। तो मैं इसकी भाषा नहीं लिख रही, आप इसमें एनसीईआरटी में पढ़ लेना बच्चा, जो मैंने भी चीज़ बोली है उसमें बस अंग्रेजी भाषा में लिख रखा था, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब अपन मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो यूकेरियोट्स की बात करें तो अपन जो चैप्टर है अपना यूकेरियोट्स के बारे में, प्रोकेरियोट्स की धीरे धीरे बात कर लेंगे इसके अंदर, बट अपना मेन टॉपिक क्या है, यूकेरियोट्स, क्योंकि प्रोकेरियोट्स में इतना तामझाम नहीं होता है जितना अपन यूकेरियोट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेल साइकिल जो होती है किसके अंदर, अगर मैं यूकेरियोट्स की बात करूँ, जो हायर यूकेरियोट्स, अच्छा एक चीज़ और, हायर यूकेरियोट्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि लोअर यूकेरियोट्स में जैसे ईस्ट हो गया, प्रोटोजोआंस हो गया, उनमें भी इतना तामझाम नहीं होता। खैर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों नहीं होता, पर हायर यूकेरियोट्स में ऐसा देखने को मिलता है। तो हायर यूकेरियोट्स में जो सेल साइकिल होती है बच्चा, वो दो फेजेस में कंप्लीट होती है। एक तो होती है बच्चा इंटरफेस, अपन मेन मेन टॉपिक पे आएंगे, जहां पर डिटेल जाएगा मैं आपको खुद आगे से बता दूंगी, डिटेल है, अब इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सेल साइकिल जो होती है हायर यूकेरियोट्स में, वैसे तो यूकेरियोट्स ही बोलो चलो, तो यूकेरियोट्स में क्या होती है, दो फेजेस में कंप्लीट होती है बच्चा, आपको अच्छे से पता। एक तो होती है इंटरफेस और एक होती है एम फेज, ठीक है। बच्चों को हमेशा बहुत कंफ्यूजन रहता है, अब कंफ्यूजन से मैम हमको आता है, अरे भाई आता है भाई, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ। तो पहला जो होता है वो होता है इंटरफेस, क्या होता है, इंटरफेस, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है बच्चा एम फेज। अब इस डायग्राम पे भी आएंगे, अच्छा लग रहा है डायग्राम, ठीक है, एक बार में बनाया मैंने, हाँ तुम ऐसे नहीं बोल सकते, हंसना मत तो, ठीक है। चलो तो बच्चा देखो, तो क्या होता है कि जो सेल साइकिल होती है वो दो फेजेस में कंप्लीट होती है, आपको अच्छे से पता। एक तो होती है इंटरफेस और एक होती है अपनी एम फेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम, बच्चे को हमेशा कंफ्यूज रहता है, एम इज अ माइटोसिस, एम इज अ मियोसिस, एम इज अ मल्टीप्लीकेशन फेज, ध्यान रखना इस बात को। एम इज़ अ, मैं यहाँ पर कोई मेंशन नहीं कर रही हूँ कि मैं माइटोसिस पढ़ा रही हूँ, मियोसिस पढ़ा रही हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको सेल साइकिल पढ़ा रही हूँ, ये बात ध्यान रख लेना आप। आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, मैं जब पढ़ाऊंगी माइटोसिस मियोसिस तो मैं अलग से मेंशन कर दूंगी कि भाई हाँ चलो अब अभी टॉपिक अपना माइटोसिस मियोसिस का है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि अभी मैंने कोई मेंशन नहीं कर रखा है कि मैं माइटोसिस या मियोसिस पढ़ा रही हूँ, एक बात ध्यान रख लेना, ठीक है। मैं सिर्फ एक सेल साइकिल पढ़ा रही हूँ कि किसी भी यूकेरियोट्स के अंदर जो सेल साइकिल या सेल डिवीजन होता है वो दो फेजेस में कंप्लीट होती है, भले वो माइटोसिस हो, मियोसिस हो या अमाइटोसिस। अच्छा अमाइटोसिस की बात थोड़ा चर्चा आगे करेंगे, इसको थोड़ा यहीं छोड़ देते हैं, बट अभी माइटोसिस मियोसिस लेकर चलते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस और जो मियोसिस होता है ये आपके दो फेजेस में कंप्लीट होता है, एक तो इंटरफेस और एक एम फेज। एम इज अ मल्टीप्लीकेशन, रिमेंबर इस बात को ध्यान रखना, एम इज अ मल्टीप्लीकेशन, इज नॉट अ माइटोसिस एंड मियोसिस। हाँ बच्चे बोल देते हैं, बता भी देते हैं, है ना, कहीं कहीं पर टीचर्स ऐसे बोलते हैं बच्चा, मैंने खुद ने ये चीज़ देखी है, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो हमको एम का मतलब ये बताया जाता था कहीं पर माइटोसिस में, बट आप ध्यान रखना सेल साइकिल में एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। चलो तो ये बात ध्यान रखना। अब इंटरफेस क्या होती है, पहले काम करते हैं, मैं इसके बारे में दो तीन बात लिख देती हूँ। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रिपरेशन, सही लिखा है क्या, प्रिपरेशन, तुम देख लेना, प्रिपरेशन फेज, ठीक है ना, तुम देख लेना सही है क्या। मतलब ये वो फेज होगी जिसमें सेल डिवाइड नहीं करेगी लेकिन सेल डिवाइड के लिए तैयारी करती है। देखो मैं मारवाड़ी में समझाऊंगी, तुम समझ जाना, इंग्लिश तुम देख लेना, ठीक है ना, तुम मेरी इंग्लिश जानते हो अच्छे से, है ना। तो इंटरफेस ऐसी फेज होती है, यानी
इस एम फेस तक यानी मल्टीप्लाई करने से पहले, यानी अरे भाई तुम जंग के लिए लड़ने जा रहे हो तो क्या ऐसे मुंह उठा के चल जाओगे क्या? थोड़ी बहुत तैयारी तो करोगे ना, ऑब्वियसली बात है, ऐसे ही करोगे, तैयारी करोगे, जब तो तुम एक युद्ध के लिए तैयार होते हो। तुम्हारा पेपर ही देख लो, अगर तुमको नीट में सिलेक्शन चाहिए तो तुम तैयारी करोगे ना, ये मुंह उठा के जाके पेपर देने चले जाओगे? हालांकि ऐसे बहुत से बच्चे करते हैं, है ना, ऐसे चले जाते हैं, लेकिन तुम मत करना ऐसा, ठीक है? तो यहाँ पर पहले क्या होगी, सेल डिवीजन के लिए तैयारी होती है, क्या होगी, तैयारी होगी, उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा। इसलिए इस फेज को अपन प्रिपरेशन, यानी इसका मतलब एम फेज इंटरफेज एक ऐसी फेज है जिसमें सेल डिवाइड नहीं करती। डिवाइड किस में करेगी, इस एम फेस में, यानी जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन अब सेल पूरी तरह से रेडी है डिवाइड करने के लिए कि भाई हाँ उसको डिवाइड होना है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब मैं आपको एक मजेदार और बात बताती हूँ। इस पर आएंगे आएंगे आएंगे, तुम इसी को देख रहे होंगे, तो मुझे तो देख नहीं रहे होंगे, तुम इसी डायग्राम को देख रहे होंगे, आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ, शांति रखो, ठीक है? अब एम फेस के लिए मैं आपको एक बात और बता दूँ, आपको वैसे पता है चीज़, फिर भी अच्छा मेरे को बताना तो जरूरी है। कोई भी एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, मैं यूकैरियोट की बात कर रही हूँ, प्रोकैरियोट्स की अभी कोई बात नहीं कर रही मैं, प्रोकैरियोट्स की जब आएगा तो मैं बताऊंगी। यूकैरियोट्स में अच्छा खासा न्यूक्लियस होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यूकैरियोटिक में सबसे पहले जब भी कभी डिवीजन होता है, अभी अपन नॉर्मली लेके चलेंगे, तो सबसे पहले डिवीजन जो होता है वो न्यूक्लियस का होता है, देन सेल का डिवीजन, साइटोप्लाज्म। ये तो बात आपको पता है कि मैम सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है देन साइटोप्लाज्म। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने बोला कि इस फेज में कोई भी डिवीजन नहीं होगा, अब भले वो सेल का हो या न्यूक्लियस का हो। तो डिवीजन किस में होगा, एम फेज या मल्टीप्लिकेशन फेज में। तो ये एम फेज जो होती है बच्चा, ये दो तरीके की होती है, यानी ये दो फेज में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट होती है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, और एक होती है साइटोकाइनेसिस। बच्चा अब मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है। सीक्वेंस मतलब अगर सेल डिवाइड करने जा रही है तो फर्स्ट वो इंटरफेस से गुजरेगी, पहले वो तैयारी करेगी, देन ही एम फेज में एंटर करेगी, अदरवाइज नहीं कर सकती। हाँ, हालांकि कुछ सेल्स ऐसी होती है वो नॉर्मल सेल्स नहीं होती, उसके बारे में अपन बात करेंगे आगे, ठीक है? तो नॉर्मली मैं आपको ऐसा बता रही हूँ, और एम फेज में फिर जब एंटर कर जाएगी देन वो एंटर करेगी कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी जब भी सेल डिवाइड करेगी तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, देन ही साइटोप्लाज्म डिवीजन होकर दो सेल डिवाइड बनेगी, यानी सबसे पहले सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बनेगी, यानी यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस होगा, देन ही फिर ये दो सेल में कन्वर्ट होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चा। यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं मैंने, मैं एक बार ही पढ़ा दूँ, फिर देखो बच्चा कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके मैं बताऊंगी आपको। अभी हालांकि टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा तुम थोड़ा शक्ति रखो, ठीक है, हिम्मत रखो तुम, ठीक है? हाँ, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चा मैंने आपको पहले बता दिया था, नाम से याद रखोगे, रटना नहीं है। कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ध्यान रखना, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं जाने वो भी बहुत अच्छी बात है। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, बच्चा साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म बोल दो या सेल बोल लो, बात एक ही है, लेकिन अपन इसको साइटोप्लाज्म इंक्लूड करेंगे, क्योंकि क्यों बोलेंगे, खैर मैं अभी इसको बाद में सब, और इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है ना, समझ गए ना मैं आपको, तुम बड़े इतने होशियार हो, तुमको बताने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले सेल डिवीजन में एम फेज में सबसे पहले क्या होगा, पहले न्यूक्लियस डिवीजन होगा, देन उसके बाद सेल डिवाइड करेगी या फिर साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा। तो कुछ इस तरीके के रामायण अपन को पढ़नी है। अच्छा, अब अपन आ जाते हैं अपने इस डायग्राम पे, ठीक है? अच्छा, पहले हाँ, अब मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जितना टाइम इंटरफेज में लगता है ना, जितना टाइम सेल को तैयारी करने में लगता है उतना टाइम उसको सेल डिवाइड करने में लगता है, ये मान के चलो ऐसा बोला जाता है, शायद आपकी बुक में ऐसा लिख रखा है कि अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 23 घंटे तो उसको तैयारी करने में लगेंगे और एक घंटे में वो डिवाइड करेगी सेल, तो 23 घंटे में वो तैयारी, ऑब्वियसली बात ऐसा होता भी है। अब तुम सब खुद देखो कि तुम तैयारी 9 महीने तक करते हो, 9 महीने तक तैयारी करो तुम तुम्हारे पेपर की, और देन फिर 3 घंटे का एक पेपर होता है, तो पेपर हो रहा है तो वो होता है एम फेज, 3 घंटे में हो गया, लेकिन तैयारी के लिए तुमने 9 महीने दिए, बहुत डिफरेंस है, लॉट ऑफ डिफरेंस। बस वही वाली बात है कि इंटर फेज जो होती है वो एक लॉन्गेस्ट फेज होती है, देन एम फेज वो छोटी होती है, बट यहाँ पर मैंने थोड़ी बड़ी बनाई है, तुम समझ जाओ, तुम होशियार हो, ठीक है, समझ दिखाने के लिए, तुमको फिर दिखता नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके का आपको डायग्राम दे रखा है, अगर आपको यहाँ पर ध्यान दो तो यहाँ पर डायग्राम है। अब इस डायग्राम में आपको एक और बात बता दूं कि इंटरफेस में जब तैयारी होती है तो क्यों हुई नहीं कि बस वो बाल वाल अपने सेट वेट करके अच्छे से परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के तैयार वर हो गई सेल की, हाँ भाई मुझे डिवाइड नहीं है, अगर ऐसी हरकतें करेगी ना सेल तो उसको बाहर निकाल लेंगे सेल साइकिल से, ऐसा नहीं होता बच्चा, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि इंटरफेज जो होगी वो भी 3 सब फेजेज में डिवाइडेड होती है। आपको आई थिंक ना ये याद कुछ ना हो तो मैं ये तो जरूर याद होगा, एक तो G1, एक S और एक G2। बच्चा G इज अ गैप फेज, कहीं कहीं पर जी को ग्रोथ बताते हैं, कहीं कहीं पर जी को ग्रोथ बताते हैं, गलत नहीं है, लेकिन आप वो पढ़ो जो एग्जैक्ट आंसर हो, इसको गैप भी बोल सकते हैं, इसको ग्रोथ भी बोल सकते हैं, बट वो पढ़ो जो तुम्हारे पेपर में आता है, ठीक है? तो जी इज़ फॉर गैप 1 फेज,
और वन न्यू पर लगाओ, अच्छा वो समझ गए तुम है ना, सब फेस बोल देना। एस फॉर सिंथेसिस, सिंथेसिस फॉर वॉट, डी एन ए, क्या इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन पूरा। और जी टू मतलब गैप टू फेस, ठीक है। तो ये तीन नाम है जो आपको, बच्चा आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए, आधे बच्चों को क्या आप फुल फॉर्म नहीं बता रहे थे, तो पहले बच्चा आपको फुल फॉर्म अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। कहीं कहीं पर जी को ग्रोथ भी बोलते हैं, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, हमको भी पहले जी को गैप वो बताते थे ग्रोथ, बट फिर मैंने जानते हो ना बच्चा, हम भी पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें भी, तो बच्चा उनको परफेक्ट पढ़ना है जो वहाँ पर वहाँ के लिए हमारे सही हो, ठीक है। तो आप इसको ग्रोथ बोल सकते हो बट वो पढ़ो जो आपके पेपर के लिए सही हो, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होती है, तो ये इंटरफेस आपके तीन सरफेस इन डिवाइड। अब आ जाओ इस डायग्राम पे, आपको इस डायग्राम में सब समझ में आ गया होगा, तुम मेरे तो बातें सुन नहीं रहे होंगे, इस डायग्राम को देख रहे होंगे, हाँ तो तुम वैसे होशियार हो। तो देखो इसको आप भूल जाओ, यहाँ से स्टार्ट हुई G1 S और G2, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी इंटरफेस है। ये पूरी पूरी क्या है अपनी, इंटरफेस, इंटर फेज है, पूरी की पूरी अपनी इंटरफेस है, ठीक है। मैंने एरो बना दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये बात आपको ध्यान है। यानी कोई सेल अगर यहाँ है, अगर कोई सेल यहाँ है, ठीक है, तो वो डिवाइड होने जाएगी, खैर आपको पता है। तो डिवाइड होने से पहले वो अपने आप को तैयार करेगी, यानी इतना समय उससे तैयार होने में लगाया। और वैसे बात है, ऐसा बोलते हैं कि शादी पार्टी में अगर जा रहे हैं तो कोई एक पति पत्नी है ना, क्या बोलते हैं, लोग लुगाई बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं है ना, मम्मी आते हैं ना ऐसे बहुत, तो ऐसे बोलते हैं कि अरे भगवान तुम इतना देर लगा रही हो, हैं ऐसे बोलते हैं ना, शादी उनकी है तुम्हारी थोड़ी ना है, ऐसा कोई डायलॉग बोलते हैं ना। तो लड़कियाँ तैयार होने में टाइम लगाती है, भले वह एक घंटे का ही काम क्यों, आधे घंटे का ही काम क्यों ना, वो पूरा दिन लगा देते हैं तैयार होने में। खैर ऐसा मैंने देखा भी है तो मैं इसको झुटला नहीं सकती, एक लड़की होने के नाते है ना, मैं नहीं करती, ठीक है ना, हाँ ये बात ध्यान रखना। तो वही वाली बातें हैं, तुम समझ गए। तो यहाँ से यहाँ तक तो उसे तैयार होने में लगा दिया और फिर वो यहाँ पर आधे घंटे के लिए काम करने गई बस। अब बताओ क्या हुआ इससे, कुछ नहीं हुआ है ना। अच्छा वैसे वैसे तो बहुत कुछ होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, तो G1 S एंड G2 ये तो हो गया अपने इंटरफेस की अपनी फेज हो गई। अब यहाँ पर जब जैसे सेल यहाँ पर एंटर होती है, ये सेल ये रही, अच्छा ये थोड़ी बड़ी, इसको अपन थोड़ा बड़ा बना लेते, समझ गए तो भाई तैयार हो चुकी है, पूरी तरह से रेडी है। अब ये एंटर कर जाएगी M फेज में। M फेज में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो ज़्यादा फालतू तामझाम नहीं करेगी, वैसे वो सेल डिवाइड करने आती है तो कर और निकल यहाँ से, बस इतना काम करेगी, वो ज़्यादा पूछेगी उछेगी कुछ नहीं। तो M फेज में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। तो अब सुनो, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस से बड़ी होती है, एम फेज से बड़ी होती है इंटरफेस, ठीक है, और साइटोकाइनेसिस से बड़ी होती है कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइडेड होती है 4 सब फेजेस में, वो बात आपको ध्यान है। फर्स्ट आपको ध्यान है अच्छे से, मैं इसको 4 में बनाती हूँ, 1, 2, 3 और 4, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है ना। अच्छे से पता है आपको कि कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइडेड इनटू सब फेजेस है ना, फर्स्ट प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड फोर्थ टीलोफेज। एंड देन जैसे ही ये कैरियोकाइनेसिस यानी टीलोफेज कंप्लीट होता है और ये एंटर कर जाएगी किसके अंदर, साइटोकाइनेसिस में। अब साइटोकाइनेसिस में एक्चुअल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 सेल डिवाइड होके यानी बाहर निकल जाएगी यहाँ पर, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये तो था अपने पास कैरियोकाइनेसिस, ये तो था साइटोकाइनेसिस। तो देख लो साइटोकाइनेसिस कुछ नहीं होता, साइटोकाइनेसिस डिवाइड होकर निकल लेता है, ये तो बहुत बड़ा बना दिया मैंने, बस छोटा सा होता, बहुत छोटा सा, कुछ मिनट मुझे लगता है, सेकंड लगते हैं है ना, बस यहाँ तक कि तामझाम में इतनी दिक्कत आती है और बाकी और कोई दिक्कत नहीं रहती, आया समझ में आपको। तो ये है कुछ इस तरीके, ये तो था इंट्रो, ये तो था इंट्रो। तो आपको पहले पता होना चाहिए सेल साइकिल क्या, मैंने आपको पूरा रामायण बताया, ठीक है। अब इसको मिटा के अच्छा सा डायग्राम और बनाएंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको इसके बारे में बताया, आपको ध्यान होना चाहिए इनका फुल फॉर्म क्या होता है। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जीवन में क्या होता है, एस में क्या होता है, G2 में क्या होता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ बच्चा, ये सिर्फ मैंने एक इंट्रो बताया है, अब अपन देखेंगे सेल साइकिल में एक्चुअल होता क्या क्या है, कि सेल साइकिल किस किस तरह से परफॉर्म होती है। मैंने अभी कोई मेंशन नहीं करूँगी कि ये मैं माइटोसिस पढ़ा रही हूँ, जब माइटोसिस मियोसिस पढ़ाऊंगी तो मैं मेंशन कर दूंगी कि माइटोसिस पढ़ा रही हूँ, तो तुम तुम्हारे भेजे से निकाल देना कि मैं माइटोसिस पढ़ा रही हूँ, मियोसिस पढ़ा रही हूँ। तो तुम एक ही जगह लिमिटेड होकर मत चलो, अनलिमिटेड होकर चलो कि हाँ हमको सब कुछ चीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो अब उनको क्या करना है, अब मैं आपको ये बताऊँगी कि जितनी भी सेल साइकिल होंगी, भले वो माइटोसिस हो या मियोसिस हो, उन सभी में ही ऐसी फेजेस होगी, ये चीज़ हमने देखी। अब भले माइटोसिस हो या मियोसिस हो, एक बात ध्यान ना,
कि सभी में ही इंटरफेस सेम होगी, यानी मैं अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगी, मतलब अलग अलग तो कोई पढ़ाता भी नहीं है बच्चा, भले माइटोसिस हो या मियोसिस हो, इंटरफेस सभी के लिए सेम होती है। तो इंटरफेस तो मैं एक ही बार में बताऊंगी जो अभी बताऊंगी मैं आपको, लेकिन कैरियोकाइनेसिस जो होगी वो माइटोसिस में अलग होती है और मियोसिस में, तो इसके बारे में तो अपन को चर्चा करनी। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये अपन को माइटोसिस और मियोसिस में अलग अलग पढ़ना है, लेकिन इंटरफेस वाला जो है वो माइटोसिस मियोसिस में दोनों सेम है, इसलिए मैं एक बार ही बता रही हूँ कि इन तीनों में क्या क्या होता है। अदरवाइज फिर अपन को एमफेज में फिर आगे थोड़ा बहुत टॉपिक्स देख के फिर अपन माइटोसिस स्टार्ट कर देंगे। फिर अपन को माइटोसिस में सिर्फ एमफेज वाला ही पढ़ना है क्योंकि इंटरफेस अपन पढ़ चुके हैं। तो ये बात आपके भेजे में फिट हो जानी चाहिए कि मैम कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो सेल साइकिल में सेल डिवीजन कोई सा भी हो, इन दो फेजेस के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो फर्स्ट होगा इंटरफेज, देन होगा सेकेंड एमफेज। फर्स्ट इंटरफेस के अंदर प्रिपरेशन होती है, इसलिए इसको प्रिपरेशन फेज भी बोलते हैं और कहीं कहीं पर इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। खैर अपन अभी इसको इसकी बात करेंगे, अभी मैं आपको पहले G1S और G2 के बारे में बता दूं, उसके बाद पहले इसके बारे में पूरा चर्चा कर लेते हैं, फिर बात आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा मैम एक चीज़ छोड़ी अपने, अरे कुछ नहीं छोड़ा है मैंने तुम्हें भेजे में फिट रखो, कुछ नहीं छोड़ा है मैंने, मैं तुम्हें एक बात बोल देती हूँ, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, बस लाइन वाइज पढ़ाऊंगी तुमको, मेरे को याद है तुम क्या सोच रहे हो अभी तुम्हारे भेजे के अंदर, मैम एक चीज़ छोड़ी है मेरा, शांति रखो सब पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना है ना। तो अब सबसे पहले अब मैं आप बार बार नहीं बताऊंगी, बस एक बार ध्यान रखो, इंटरफेस में एक बार बता दूंगी, माइटोसिस मियोसिस में अब मैं इसको बारे में नहीं बताऊंगी, ठीक है? माइटोसिस और मियोसिस सिर्फ अपन एम फेज के लिए पढ़ेंगे क्योंकि वही अलग है, अरे बच्चा अगर अलग नहीं होता तो फिर अलग अलग पढ़ता, समझ रहे ना, तो भेजा मैं उनको, ठीक है? चलो अब इसको मिटाती हूँ मैं, चलो इसको एक बार देख लो, वैसे तुम क्या देखो मैंने कुछ इतना लिखा भी नहीं है अच्छा खासा, अब मैं इसको मिटाऊंगी पूरा। स्टार्ट करें, चलो हटा दो इसको, इनको नहीं मिटा रही मैं, देखिए ना थोड़ा अच्छा लगेगा भरा भरा बोर्ड, यहाँ बना दूंगी, ठीक है यहाँ लिख दूंगी। चलो तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट G1 और Gap 1 फेज, सब फेज बोलो बात की, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं, चौक ले लेती हूँ ढंग की, फिर तुम बोलोगे समझ में नहीं आया, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात बता दूं मैं, इंटरफेज में भी जो G1 फेज होती है, वैसे मैंने थोड़ा सा इसको छोटा बनाया है, मुझे इसको थोड़ा छोटा नहीं थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, अब सही है बिल्कुल। तो फर्स्ट स्टार्ट करें अपन इंटरफेस में अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले G1 फेज क्या होती है, ठीक है? अच्छा अब देखो, अब थोड़ा समझ लेना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगी तो तुम तुम्हारे भेजे को शांत रखना बस, ठीक है? देखो सबसे पहले बात आती है, ध्यान से सुनते रहना, अब G1 फेज में एक्चुअली होता क्या, अब मैं पूरी कहानी बताऊंगी उसके बाद लिखूंगी, मुझे लिखने में जो रहा है तुम मेरी बात सुनते जाओ बस। देखो G1 फेज वो फेज होती है जिसमें एक्चुअली में सेल का साइज बढ़ता है। अब आप बोलेंगे कि मैम वैसे तो साइज यहाँ पर नहीं, बच्चा सुनो मेरी बात, सेल का साइज तो G1 में ही बढ़ जाता है, ये बात ध्यान रखना। अब सेल का साइज अगर, अब मैंने ये बात पहले ही क्यों बोल दी, अब भेजा लगाओ, अगर आप किसी सेल, इतनी सी सेल थी, अगर आप उसको बड़ा करके इतना बड़ा करोगे, इसका मतलब उसके अंदर का मटीरियल भी तो बढ़ा रहे हो, बात वही है। अगर आप इतनी सी सेल को इतना बड़ा कर रहे हो, मैंने यही बोला कि Gap 1 फेज के अंदर सेल अपने आप को क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, अपने आप के साइज को बढ़ाएगी, तो एक्चुअली मैं साइज ऑफ द सेल की लाइन में एंड में लिखूंगी, लेकिन मेरी बात मैंने अभी क्यों बताया, इसका रीजन बता रही हूँ बच्चा कि साइज ऑफ द सेल इज इंक्रीज ड्यूरिंग G1 फेज, ठीक है? अच्छा अब मेरी बात सुन, जैसे ही सेल G1 फेज में एंटर कर जाती है तो इसके साथ बहुत सारी घटनाएं होती हैं, इसको खुद को समझ में नहीं आता कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन क्या करे बच्चा, हो सकता है, होता है, ठीक है? तो G1 फेज में क्या होता है, यहाँ पर जो सेल होती है अपने आप को साइज को इंक्रीज करती है, अगर वो अपने साइज को इंक्रीज कर रही है यानी अंदर का मटीरियल कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब अंदर का मटीरियल मतलब, अंदर का मटीरियल का मतलब है साइटोप्लाज्म, फ्लूड, प्रोटीन, एंजाइम्स, RNA वगैरह वगैरह, ATP, ये सारी चीज़ें क्या होगी, डुप्लीकेट करेगी। अब आप बोलोगे मैम डुप्लीकेट यानी रेप्लिकेशन, डुप्लीकेट मतलब होता है अपने आपको, पता है ना आपको, डबल करना। तो ऑब्वियसली बात है कि जब अपने आपको सारी चीज़ें डबल करेंगी तो दिमाग तो बुद्धि लगाओ तो वो साइज इंक्रीज नहीं होगा, एक ऑब्वियसली बात है। इसलिए मैंने लाइन पहले ही बता दी कि G1 फेज में एक्चुअली में साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर इस सेल के अंदर जितने भी मटीरियल्स होते, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और बोलूँगी, कॉन्स्टिट्यूएंट, सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब सेल ऑर्गेनली भी डिवाइड करेंगे। अब जब सेल के ऑर्गेनली डिवाइड करेंगे तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए और जगह को, वो स्पेस को बढ़ाना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली बात है। तो सबसे पहला ध्यान से सुनना,
कि जो प्रोटीन का होगा सिंथेसिस, अब किसके लिए होगा मैं बताती हूँ, प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है ना, वो यहाँ इंक्रीज होता है। अब ऐसा क्यों होगा मैं इसका रीज़न एक साथ ही बताऊंगी, बट अभी सुनते जाओ। प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होता है, दूसरा सुनते जाओ, ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट। दूसरा है एंजाइम्स। अब वो एंजाइम्स जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चाहिए। अब बच्चा आपको कुछ हो ना हो याद, बट एक बात तो ध्यान है कि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए कहाँ डुप्लीकेट होगा, इस एस फेज में। डीएनए को छोड़कर, डीएनए सेंट्रल हिस्टोन को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें डुप्लीकेट जीवन फेज में करती है, ध्यान रखना। खैर मैं भी बताऊंगी, बट अभी मेरी बात सुनो कि डीएनए का रेप्लिकेशन सिंथेसिस हो। लेकिन एक बात बताओ कि डीएनए क्या ऐसे कि जीवन में आया, एस वन में चला गया, बस उसने बोल दिया कि भाई हाँ डीएनए रेप्लिकेट, ऐसे हो जाएगा क्या? अब आपको पता है कि डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए मुझे कितने सारे प्रोटीन के साथ साथ उनके एंजाइम्स चाहिए, आरएनए चाहिए, है ना, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ये सारे एंजाइम चाहिए ना, क्या बोलते हैं, टोपो आइसोमरेज, पता नहीं इतने से हेक्सोकाइनेज, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं ना, लाइगेज, ये सारे एंजाइम चाहिए। अरे भाई ये जब एंजाइम नहीं दोगे तो फिर एस फेज में रेप्लिकेट कैसे करेगा? तो भाई यहाँ पर एंजाइम्स का सिंथेसिस होगा, एंजाइम सिंथेसिस होगा फॉर रेप्लिकेशन, किसके, डीएनए रेप्लिकेशन। यही आता है क्वेश्चन, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेट तो नहीं करेगा, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो मुझे मटेरियल चाहिए वो रेप्लिकेट, यानी वो चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें यहाँ जीवन में मिलती है मेरे को, तो इसलिए साइज। इसके साथ साथ है ना, तो बच्चा प्रोटीन, इसके प्रोटीन हो गया, प्रोटीन, अब प्रोटीन भाई ऑब्वियसली बात है, जब आप किसी चीज़ को बनाओगे तो ऑब्वियसली प्रोटीन चाहिए। इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब होता है, यानी ऑर्गेनली, लो तुम्हारी हिंदी भाषा में लिख दिया, ऑर्गेनली भी क्या होगा, यहाँ पर सिंथेसिस होंगे, डुप्लीकेट होंगे, समझ जाओ तुम, तुम्हारे भेजे लगा लो, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूट होंगे, जितने भी ऑर्गेनलीज होंगे, ठीक है, वो भी क्या होगा, यहाँ पर डबल होंगे, सिंथेसिस होंगे। इसके साथ साथ क्या होंगे, आरएनए का सिंथेसिस भी होगा। बच्चा आपको बताया कि सेल अगर डिवाइड करने जा रही है तो आरएनए का मटेरियल भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो आरएनए के लिए जो भी अपन को मटेरियल चाहिए होता है, एंजाइम चाहिए होते, वो आरएनए भी सिंथेसिस करेगा, ठीक है, है ना, एक बात ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखना, आरएनए के साथ साथ यहाँ पर एटीपी भी चाहिए। बच्चा अगर एटीपी नहीं होगा, एटीपीएज एंजाइम की बढ़ोतरी होगी यहाँ पर, तो ध्यान रखना कि ये जीवन फेज के अंदर ये सारी चीज़ें होती है, और जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी तो सेल की क्या होगी, बताओ सेल की क्या होगी, ग्रोथ होगी, होगी नहीं होगी, और भेजा में फिट कर लो इस बात को, तो सेल की क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो जीवन फेज में सेल जो होता है अपने साइज को इंक्रीज करेगा। इन सब चीज़ों के लिए देख लो, जगह भी तो चाहिए, लिखने में तो छोटा लग रहा है लेकिन होती कितनी सारी चीज़ें हैं, तुम तुम्हारे भेजे में फिट कर लो, अपन ने पढ़ा था ना, तुम्हारे दिमाग में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। तो जीवन फेज में उसका साइज होगा, वो एक्चुअल में इंक्रीज हो जाएगा, हो गया उसका इंक्रीज, वो हो गया, बस हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ होती, जीवन फेज में होती, तो आया समझ में? तो बच्चा ध्यान रखना, एटीपी वाला इससे क्वेश्चन आ रखा है, थोड़ा ध्यान रखना इस बात को, एटीपी, आरएनए, कॉन्स्टिट्यूट, ये तो बात आपको ध्यान ही होगा। तो याद रखना, यहाँ रेप्लिकेशन तो नहीं होता डीएनए का, लेकिन डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए जो मुझे मटेरियल और चीज़ें चाहिए होती है वो बन जाती है कहाँ, जीवन फेज में। अब ये बोल देगा भाई मैं अपनी तरफ से पूरी तरह रेडी हूँ, मैंने इसको सारे सामान दे दिए हैं, अब तेरा काम है काम करना। तो ये क्या करेगा, बाजार से सामान ले आएगा, एस का काम होगा खाना बनाना, समझ गए ना बात, तो तुम समझ जाओ, तुम इतने होशियार हो। अब इसका काम है डीएनए रेप्लिकेशन का, आया समझ में आपको? अच्छा, इसकी और चर्चा करेंगे, फिर मैं आपको एस फेज और बता देती हूँ, ठीक है। अब एस फेज की बात करते हैं, अब बात करते हैं एस फेज। एस फॉर सिंथेसिस, सिंथेसिस फॉर वॉट, डीएनए एक्चुअली में इसके लिए लिखा जाता है, अच्छा है ना, एक मिनट इसको मैं से ना लिख के, है ना, एस फेज, ठीक है। एस फेज का मतलब मैं लिख बता चुकी, सिंथेसिस में लिखने, ठीक है। अब सुनो, अब किस किस का सिंथेसिस होगा, तो यहाँ पर होगा एक्चुअली में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा, है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेंट्रियोल का भी रेप्लिकेशन होगा, यानी सेंट्रियोल भी डबल करेगा, और इसके साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन, याद है हिस्टोन प्रोटीन जो होंगे और नॉन स्टोन प्रोटीन, ये क्या करेंगे, रेप्लिकेट एंड डबल करेंगे, यानी समझ गए बात को, यानी डीएनए के साथ साथ यहाँ सेंट्रियोल भी डबल होगा, सेंट्रियोल के साथ साथ यहाँ हिस्टोन प्रोटीन भी डबल होगा, तो तुम्हारे भेजे में फिट हो जानी चाहिए बात, ये तो तुम्हें आता है, लेकिन ये वाली बात ध्यान रखो। अभी देखो मैं कभी क्वेश्चन पूछती हूँ, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, ये बात आगे समझ। अब क्वेश्चन आता है, अच्छा याद होगा मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में मैंने एक बात बताई थी कि सेंट्रियोल एब्सेंट होता है इन एनिमल सेल, याद आ रही है कुछ, हाँ याद आया, ठीक है। अब तुम दो बोलोगे ना, मैं ही बोल दूँ, तो अब एक बात बताओ, आ गया डिफरेंस, एक क्या है डिफरेंस, प्लांट सेल के एस फेज में
सेंट्रियोल डिवाइड नहीं कर सकता। अरे है ही नहीं तो डिवाइड कहाँ से करेगा, लेकिन एनिमल सेल के एस फेज में सेंट्रियोल डिवाइड करेगा। लो मिल गया डिफरेंस। अरे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, तो तुम्हारे बुद्धि को एक साइड लेके चला करो, ठीक है, क्योंकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, ध्यान रखना। फिर आपके भेजे में आ रहा होगा कि मैम स्पिंडल फाइबर कैसे बनेंगे, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, उसकी चिंता तुम मत लो, उसमें मेरे पे छोड़ दो सब, मैं बताऊंगी तुमको, ठीक है। तो सेंट्रियोल एक स्पिंडल फाइबर बता दें, स्पिंडल फाइबर बनाता है जो क्रोमोसोम को अलग अलग पता है। हिस्टोन प्रोटीन, ध्यान है सभी को, हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, कैसे होते हैं नेचर में, पॉजिटिव बेसिक होते हैं नेचर में, और बेसिक नेचर के होते हैं तो वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पता है ना ये तो, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये भी आपको पता है, एक इतने बड़े डीएनए को कंडेंस करके छोटा सा डीएनए करेंगे और एक क्या बनाते हैं उसको, रैप करते हैं, तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम किसकी वजह से बनता है, इस प्रोटीन की वजह से, ठीक है। चलो तो ये हो गया अपना एस फेज। चलो अब अपन बात करते हैं जी टू फेज। अब बोले मैम जी टू फेज ये क्या बचा, अब बचा ही नहीं इसके लिए, अरे बचा बहुत कुछ बचा, रुक जाओ शांति रखो। गैप टू फेज, देखो बच्चा भले ही ये सारी चीज़ें हो गई, एक बार आप इसको देखो, पानी पी लेती हूँ मैं थोड़ा सा। बताओ, देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल आराम से सुनना। एक बात बताओ, पहले ना एक काम करती हूँ, ईज वाले देती हूँ, इसके अंदर भी प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, मैं इसका रीज़न बताती हूँ, पहले लिखने दो मुझे, है ना। इसके साथ साथ इसमें आरएनए का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसके साथ साथ इसमें वो क्या बोलते हैं ATP कंसंट्रेशन इसमें भी इंक्रीज़ होगी। अब जो मैं लिखने जा रही हूँ उस पर आप चर्चा करेंगे और उस पर आप ध्यान देंगे। क्या लिखने जा रही हूँ मैं, ध्यान से सुने बच्चा। अब मुझे एक बात बताओ, याद करो मैंने आपको शायद साइटोस्केलेटन पढ़ाया था सेल में, ध्यान आ रहा है कुछ? हाँ मैम ध्यान तो आ रहा है, पर बुद्धि में तो गई नहीं होगी। साइटोस्केलेटन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ कहाँ पर था, सीलिया, फ्लेजिला, स्पर्म टेल, याद आ रहा है कुछ? और एक जगह और बताया था मैंने, अगर ध्यान हो तो सेंट्रियोल। सेंट्रियोल ही आगे जाके स्पिंडल फाइबर बनाता है और स्पिंडल फाइबर ही माइक्रोट्यूब्यूल्स के बनते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स एक प्रोटीन का बना होता है जिसका नाम है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। अब बुद्धि लगाओ ना, यहाँ सेंट्रियोल बन गया तो भाई जी टू फेस खत्म हो जाएगी, उसके बाद तो कैरियोकाइनेसिस होगा, और कैरियोकाइनेसिस में स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे क्या? हाँ मैम बिल्कुल बनेंगे। तो स्पिंडल फाइबर के लिए मुझे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन नहीं चाहिए क्या? अरे हाँ मैम चाहिए, तुम कैसे भूल गए? बस तुम तो भूल गए, ये कैसे भूलेगा? तो बस यहाँ पर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, सही लिखा है क्या, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, जी टू फेज में होता है। आया समझ में, तुम्हारी बुद्धि में आया फिर बेटा? नहीं बेटा। इसके साथ साथ बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय और बनाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए होते हैं वो भी आपके कहाँ बनता है, जी टू फेज में होता है। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ से आ गए, अरे तुम थोड़ा सा तुम पागल हो भाई। यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटेगी, इतना तो पता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटेगी, फिर आगे जाके साइटोकाइनेसिस होगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ क्या बोलते हैं उसको, सेल की मेम्ब्रेन भी हटेगी, तो उसके लिए बनानी नहीं है मुझे, वापस से बनानी है क्या है? तुम्हारा सोचो, इसका सेल का कुछ भी नहीं है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जो भी प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जो प्रोटीन होंगे वो भी यहाँ पर इंक्रीज होते हैं, यहाँ पर बनते हैं। तो मेन बात क्या है, ये पॉइंट सेम है। तो एटीपी का सिंथेसिस G2 और G1 दोनों में होता है, आरएनए का सिंथेसिस G2 G1 दोनों में होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस G2 G1 दोनों में होता है, बट ये जो पॉइंट है ये सिर्फ और सिर्फ G2 में होता है। तभी तो डिफरेंस करोगे तुम, डिफरेंस कैसे करोगे, तुम्हारी बुद्धि तो फिट कर लो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब मैं आपको देखो एक और चीज़ है, देखो थोड़ा बहुत ज़्यादा एडिशनल है, अब नहीं पूछे जाते लेकिन एक बात बता देती हूँ। तो देखो G1 S और G2 मैंने आपको बता दिया, अब सुनो G1 में एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है बच्चा, वैसे तो पहले आता था लेकिन बता देती हूँ, साइक्लिन प्रोटीन। ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो सेल डिवीजन को इनिशिएट करने के लिए ज़रूरी है। मैंने क्या बोला बच्चा, देखो ये सारी चीज़ें हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन पता है कि यहाँ पर बोलते ना कि एक झटका देना कि भाई हाँ रेडी है, सेल रेडी है पूरी तरह से। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मैं लिखूँगी नहीं, मैं सुन लेना इस बात को। G1 फेज में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है साइक्लिन प्रोटीन, उसका भी सिंथेसिस होता है G1 में, ठीक है। और ये प्रोटीन जो होता है ये ज़रूरी है किसके लिए, कैरियोकाइनेसिस को इनिशिएट कराने के लिए, या ऐसा बोलना चाहो एम फेज को इनिशिएट कराने के लिए। बस इतना ध्यान रखो, बस आपको ये वाला ध्यान रखना, ये आपके आएगा, ये आपके आ चुका है, तो इसे तो ये आपको ध्यान रखना। तो आई होप आपको समझ में आया इंटरफेस, आई होप आपको समझ में आया होगा, तुम्हारी बुद्धि में फिट बैठ गया होगा। अभी तो बहुत सारी बातें करनी है तुम्हारे साथ, तो तुम अच्छे से इसको ना लेके चलो, ठीक है।
अभी तो बहुत कुछ बताना है, जी नोट वगैरह तुम्हारी बुद्धि में आ रहा होगा, मैम बताओ बताओ, और उसमें शांति को सब बता दूंगी, ठीक है। तो ये बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। तो जीवन फेज में, अच्छा ये बात हो गई आपको, तो अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया, उसको आप ध्यान रख लेना कि साइक्लिन प्रोटीन का फॉर्मेशन जीवन फेज में हो जाता है, जो कि एम फेज को या सेल डिवीजन को इनिशिएट करती है। ये बात ध्यान रखना बच्चा, ये तो अपने बहुत ही लिमिटेड चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। बाकी ट्यूबुलिन आपको मैंने बता दिया, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स इन स्पिंडल फाइबर, इतना तो बताया ना, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, तो तुम ये बात ध्यान रखना है, बट देखो इसको, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, समझ में आ गया। चलो अब अपन बात करते हैं उसकी, जो तुम कब से मन में लेकर बैठे हो कि मैम समझाओ, सुनो, देखो मान लो ये सेल है, ठीक है, मान लो ये सेल है अपनी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, ये यहाँ से सेल डिवाइड होके, अरे ये निकलोगे, ठीक है। चलो अब मान लो ये सेल है, ये सेल यहाँ एंटर हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको बच्चा थोड़ा समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, तो उसको थोड़ा भेजे में डालना। देखो बच्चा, मान लो एक सेल है, डिवाइड करना चाह रही है, वो एंटर कर गई, ये जीवन में एंटर कर गई, ठीक है, कहाँ कर गई एंटर, जीवन में एंटर कर गई, ठीक है। वो सिर्फ अपने आप को, अपनी सेल को बढ़ाना चाह रही है, अपनी सेल की ग्रोथ को बढ़ाना चाह रही है, बट वो डिवाइड नहीं करना चाहती। तो जीवन वाला इस सेल को बोलता है, तो पागल अगल है क्या है, तो सेल डिवाइड नहीं कर देते तो हमारे अंदर क्यों आई, तो फिर तो बोलेगा यार थोड़ी मदद कर दे, ऐसे मत बोल, बस मैं अपने साइज को बढ़ाना चाह रही हूँ, बस मैं आपको साइज को बढ़ाना चाहती हूँ, मैं डिवाइड नहीं करना चाहती। तो बोलेगा बुद्धि, मैं इसका एग्जांपल बताऊंगी आपको, विदाउट एग्जांपल मैं काम नहीं करती, आपको पता है इस बात को, मैं इसका एग्जांपल बताऊंगी, कहानी सुन लो। ये सेल आई यहाँ, आई ये इतनी सी सेल आई, और इसने अपने साइज को इनक्रीज कर लिया, हो गया इनक्रीज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इंक्रीज भी कैसे करा, इंक्रीज मतलब साइटोप्लाज्म बढ़ा दिया, प्रोटीन सिंथेसिस कर दिया, एटीपी का निर्माण कर लिया, लेकिन डीएनए के लिए जो एंजाइम चाहिए वो नहीं देगा ये इसको, बोलेगा ठीक है तुझे डिवाइड नहीं करना है ना, तो ठीक है मैं तेरे को सिर्फ साइटोप्लाज्म दूंगा, मैं तेरे को सिर्फ कुछ एंजाइम्स दूंगा और कुछ प्रोटीन्स दूंगा और एटीपी दूंगा, तुझे डिवाइड नहीं करना, तो फिर तू डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम का क्या करेगी, मैं वो नहीं दूंगा तुझे। ऑब्वियसली बात है बच्चा, तो बुद्धि वाली बात है कि यहीं से यहाँ पर आ गए, अब बोलेगी ठीक है मैं जाना चाहती हूँ, तो अब ये सेल वापस यहाँ से यूँ निकल लेगी, यहाँ से यहाँ निकल लेगी। तो जब कोई सेल जीवन में एंटर होके अपने सेल्स को ग्रोथ करके वापस से निकल जाती है जीवन सेल्स, उसको फेस को अपन बोलते हैं जी नॉट फेस। ये बात आपको अच्छे से पता होगी, इसी का तो इंतजार कर रहे थे तुम, जी नॉट फेस। जी नॉट फेस व्हाट, अब सुनो मेरी बात, इसको क्वाइसेंट, देखो स्पेलिंग देख लेना भाई, क्वाइसेंट फेस या इनएक्टिव बोलते हैं। अब बोले इनएक्टिव, देखो भाई सुन लो, इनएक्टिव फॉर डिवीजन भाई, ये बात ध्यान रख लेना भाई, इनएक्टिव फॉर डिवीजन, अदरवाइज नहीं भाई, डिवीजन के लिए इनएक्टिव हो गई है वो भैया, वो डिवीजन यानी वो डिवीजन नहीं करना चाहती, वो डिवीजन नहीं करना चाहती, अदरवाइज वो एक्टिव है हर चीज़ के लिए, तो ये बात ध्यान रखना। तो जी नॉट इज अ क्वेश्चन फेज और या तो उसको इनएक्टिव फेज बोलते फॉर डिवीजन, ठीक है। तो निकल गई, तो जब कोई सेल, क्योंकि वो बोलती है कि भाई मुझे डिवाइड नहीं करना है, लेकिन अपने सेल को ग्रोथ कराने के लिए मुझे चेंज लाना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो अब सुनो ध्यान से, तो जब कोई सेल जीवन में एंटर करके निकल जाती है, तो उस फेज को अपन को पता है जी नॉट फेज बोलते हैं। जब कोई सेल ऐसा करके जाती है बाहर, तो वो अपने आप को क्या करके जाती है, मॉडिफाइड करके जाती है, वो बोलती है कि मेरे को अपने आप को मॉडिफाइड करना है, तो उसको अपन बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। क्या बोलते हैं उसको, डिफ्रेंशिएशन। मैं इसका एग्जाम्पल बताऊँगी, तुम बस बुद्धि लगा के भी सुनते जाओ। तो जब कोई सेल जीवन में आके निकल लेती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। और सुनो, अब मान लो ये सेल यहाँ पर थी, ये निकल गई, ये सेल यहाँ पर निकल गई, ठीक है। अब ये सेल थोड़ी देर टाइम बाद वापस आना चाहती है, वही सेल जो जी नोट में गई थी, वो वापस अपने आप को काम वाम करके वो वापस आ गई, ठीक है। हो जाता है बच्चा, गलतियाँ तो सब करते हैं, है ना, तो बोलते हैं ना घर का भूला जब घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते, कुछ ऐसा डायलॉग है ना, तुम समझ जाओ, ठीक है। तो वो इस सेल वापस आ गई, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, यानी उसने अपना को मॉडिफाइड करना चाह रही थी, लेकिन वो बोली नहीं मुझे नहीं करना, मुझे वापस आना है मेरे को जीवन फेज में, तो वो वापस आ गई, तो उसको क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन। तो जब ये सेल वापस आएगी, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन।
अब बोलेंगे मैम ये क्या कर रहे हो, अरे तुम सुनते जाओ बस, तुम्हारा काम है सुनने का, मैं तुम्हें सब एग्जाम्पल सहित सब बता दूंगी, ठीक है। चलो अब एक और है, तुम थोड़ा बस अपने दिल पे हाथ रखना, एक और पॉइंट है, ठीक है। अब वो सेल वापस से धोखा दे के चली गई, और वापस से निकल ली, ठीक है। तो उसको अपन बोलेंगे रीडिफ्रेंशिएशन। बच्चा ऐसा इसलिए करना पड़ता है, मैं आपको एक बताती हूँ बात, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है प्लांट सेल्स में। प्लांट सेल्स में स्टेम्स की कॉर्टिकल सेल्स या पेरेनकाइमा जो सेल्स होती है वो धोखा दे देती है बीच बीच में, वही धोखा देती है। कॉर्टिकल सेल्स पेरेनकाइमा की बनी होती है, वो धोखा दे देती है बीच बीच में। बच्चा ऐसा इसलिए करना पड़ता है, देखो इसकी भी कोई गलती नहीं है, इसको भी आगे से ऑर्डर आता है, इसको भी ग्रोथ कराने के लिए ऐसा करना पड़ता है। देखो बच्चा वो बोलती है कि ठीक है, इसने जो मटेरियल रखा वो रखा, तो सबसे पहले वो सेल आई, इसने बोला मैं जाना चाहती हूँ, जी नोट से बाहर निकल गई, तो उसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन। भाई वो डिफरेंशिएट हो गई है सेल डिवाइड के लिए, ठीक है। वापस से वो आना चाहती, वापस से वो बोलना चाहती है कि मुझे वापस अपने सेल को इंक्रीज करना है, तो वो क्या बोलेंगे अपन, डी डिफरेंशिएशन। अभी बोलती कि नहीं मुझे वापस सेल डिवाइड नहीं करना, मुझे वापस जाना है, तो उसको डी डिफरेंश। अब बच्चा आपको थोड़ा ये ऐसा लग रहा हो कि धोखा दे रही, वो धोखा नहीं दे रही बच्चा, एक्चुअली मैम ऐसा करना पड़ता है, ऐसा इसलिए करना पड़ता है बच्चा, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर ये प्लांट सेल्स में देखने को मिलता है, लेकिन एनिमल सेल में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। प्लांट सेल्स के अंदर बच्चा पेरेनकाइमा जो सेल्स होती है वो ऐसा देखने को मिलता है। अगर आपने पढ़ा हो सेल ग्रोथ वाला एक चैप्टर है, शायद आपके कौन सा है 11th में, वो है ना ऑक्सिन वाला एक चैप्टर, उसमें शायद ही कुछ दे रखा है ऐसा करके। तो ज़्यादातर प्लांट सेल में ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि वो चाहती है कि मैं मटेरियल को लेकर आऊँ फिर वापस जाऊँ, सेल डिवाइड नहीं करें, मैं मटेरियल को लेकर आऊँ वापस जाऊँ, मैं मटेरियल को लेकर आऊँ वापस जाऊँ, लेकिन वो डिवाइड करना नहीं चाहती। हाँ डिवाइड करेगी, ऐसी बात नहीं है, वो डिवाइड कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो बात बताई वो ध्यान रखो। तो भाई ये पैटर्न याद रखना, फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग करेगी, अच्छा ध्यान रख लेना ये सीक्वेंस है भाई, फर्स्ट पहले वो डिफरेंशिएट करेगी, फिर वो वापस आती है तो डी डिफरेंशिएट करती है, फिर वापस निकल लेती है तो उसको अपन री डिफरेंशिएट करते हैं। ये उल्टा सीधा मत करना भाई। बाकी जी नोट वाला तो आपको पता ही है कि सेल अगर डिवाइड नहीं करना चाहती, सिर्फ अपने सेल को ग्रोथ करना चाहती है, वो बोलती है कि ठीक है मुझे मॉडिफाइड करना है, मुझे सेल डिवाइड नहीं करनी है, मुझे आगे जाकर ग्रोथ करवानी है, तो बस वो बोलती है ठीक है तू जा, तेरे सेल डिवाइड ग्रोथ करके निकल, यहाँ से निकल, तेरी जरूरत नहीं है हमको, कुछ ऐसी बातें होती रहती है, तुम समझो बात को, ठीक है। तो कुछ ये था, तो आया आप तो समझ में, तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा इसके एग्जाम्पल वगैरह सब बाद में बताऊंगी, मैं एक साथ ही बताऊंगी, अभी तुम्हारी बुद्धि, तो ये ध्यान रखना। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा आज, ये अपने देखा, अब इसके आगे अपन आज तो क्या, मैं अभी अभी और बताऊंगी, ठीक है। अब इसके साथ साथ अपन क्या करेंगे, अब अपन आगे देखेंगे कि भाई अब कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, कैसे माइटोसिस की शुरुआत हुई वगैरह, मैं आपको बहुत सारी टर्म्स बतानी है अभी, तो फिर देन एक आधे घंटे का और है ना उसी के साथ, क्योंकि माइटोसिस पढ़ाने से पहले मैं आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ बताऊँ, जैसे अपन ने बहुत सारी बेसिक चीज़ें पढ़ी, ठीक है। चलो तो एक बार देख लो इसको, हाँ तो बच्चा चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने देखा, अब मैंने आपको बता दिया था कि जो इंटरफेस होती है वो किस तरीके से होती है, ठीक है ना। तो अपन ने ये सारी बातें कर ली थी, इंटरफेस में अपने G1 और S और G2 ये फेजेस होती है, वो क्या क्या होता है ये सब मैंने आपको बता दिया था, तो अपन ने ये सब देखा था। अब उसके बाद अपन ये देखेंगे, अब बच्चा देखो, अब आप सोचेंगे इंटरफेस कम्प्लीट, हाँ बच्चा इंटरफेस अपनी कम्प्लीट हो गई, लेकिन मुझे आपको कुछ बहुत ही स्पेशल पॉइंट्स बताने हैं, तो उस पर थोड़ा सा गौर करना, ठीक है बच्चा। चलो स्टार्ट करते हैं, ये तो खाली जगह छोड़ी ना, तुम्हारे लिए छोड़ी, तो सुनो आप ध्यान से ना। देखो सबसे पहले तो बहुत से बच्चों कन्फ्यूजन होता है, NCERT में कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, कुछ पॉइंट्स मतलब आप अगर थोड़ा नोटिस करो तो NCERT में ऐसे लिख रखा है 2N 1C 2C 4C ऐसे कुछ शब्द लिख रखे हैं। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सी, ये क्या होते हैं, अब इनका मैंने आपको बोला था जब मैं आपको सेल वाला चैप्टर पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको बोला था ना बच्चन कि मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो वो टाइम आ चुका है, अब अच्छे से समझ लेना इसको, ठीक है। तो अपन इसी साइकिल के अंदर पूरी रामकथा देखेंगे कि किस किस तरीके से क्या होता है। अच्छा अब पहले एक बेसिक चीज़ और बता देती हूँ, उसको सुन लो, फिर उसके बाद अपन अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सुनो देखो, अपन ने देखा था कि सेल साइकिल दो फेजेस में कम्प्लीट होती है, इंटरफेस और एम फेज, और वो डिवीजन माइटोसिस हो मियोसिस हो, ठीक है। इंटरफेस अपन ने अच्छे से पढ़ लिया, तीनों में क्या क्या रामायण होती थी वो अपन ने देख लिया। एक और बात, इंटरफेस को है ना बच्चा, इंटरफेस को रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, यही आपके क्वेश्चन बहुत बार एम्स में AIPMT में नीट में बहुत बार पूछा गया है कि किस फेज को है ना, मैं दूसरा एक मिनट ले, किस फेज को रेस्टिंग फेज के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ना, रेस्टिंग फेज के नाम से किसे जाना था, इंटरफेस को जाना था। इसके साथ साथ सेल साइकिल का सबसे मैक्सिमम पार्ट भी इंटरफेस ही होता है, लगभग 90% से ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट भी आपका इंटरफेस ही होता है। ये बात मैं बता चुकी हूँ, तैयारी ज़्यादा होती है ऑब्वियस बात, ये तब ध्यान है तुम्हें, ठीक है ना। तो ये बात आप कर सकते हो, क्वेश्चन अगर यहाँ से आ जाए तो, ये नाम ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
इस पे गौर करना। क्वेश्चन फेज, जीनोट फेज होती है जो जीवन के अंदर आती है, जो अब मैं आपको समझा चुकी हूँ। जीनोट के अंदर अपन ने दो तीन बातें करी थी जो मैंने आपको कुछ समझाया, आई होप आपके द्वारा आपके भेजे में कुछ आया होगा, ठीक है। अब अपन जो मेन टॉपिक से आते हैं, अब बच्चे सुनो, मैं आपको दो तीन शब्द बताना चाहती हूँ, ठीक है। सोच रही हूँ कि टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद बता दूँ, हाँ तो ज़्यादा सही है, तो मैं टॉपिक में बजे सब जाए तो उसके बाद बता दूँ। अब सुनो, एम फेज स्टार्ट करने के लिए अपने पास सबसे पहले होगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब था न्यूक्लियस का डिवीजन, सही बता चुकी हूँ मैं, इसको लिख देती हूँ ऊपर। कोई भरोसा नहीं है मुझे कि तुम्हारा भेजे में आई नहीं आई, पता नहीं मेरे को, आ जाए तो बहुत ही अच्छा है बच्चा। और इसका मतलब होता है बच्चा, वैसे तो तुम ऐसे ही होशियार, मुझे पता है, साइटोप्लाज्म ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान है, ठीक है। अब यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं बच्चा, मैं पहले अपना टॉपिक कंप्लीट कर दूँ, फिर मैं आपको इसी पे, इसलिए मैंने लिख रखा है, मैं इसको मिटाऊंगी नहीं, मैं इस पे वापस आऊँगी, ये ध्यान रख लेना। बहुत ही अदरवाइज टॉपिक्स बताऊँगी मैं आपको, उस पे थोड़ा गौर करना, ठीक है। तो अब इस टॉपिक को यहीं छोड़ो, क्योंकि ये टॉपिक में जब एंड हो जाएगा अपने लेक्चर, तब बात करेंगे इसकी। अब अपना जो मेन टॉपिक उस पर बात करते हैं, बुक में आपके एक पॉइंट दे रखा है सी, व्हाट इज़ द सी, उसको अपन बोलते हैं सी टर्म बोल लो या सी वैल्यू ले लो। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ लिख दूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सी, एक शब्द करके दे रखा है ना आपके, ये क्या होता है ना, इसको आप सी वैल्यू बोलो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सी वैल्यू, ठीक। क्या होता है सी, सी का मतलब होता है ये, इसका मतलब आपसे बता दूं कि वन सेट ऑफ क्रोमोसोम में कितना डीएनए कंटेंट होगा वो उसका सी वैल्यू दर्शाएगा। क्या बोली मैं, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम में, अब बच्चा अब देखो मुझे बाकियों से कोई मतलब नहीं है, अपन को इतना कंफ्यूज नहीं होना, अपन सिर्फ भाषा ध्यान रखो बोलना क्या चाह रहा है। तो मैंने क्या बोला, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, यानी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में कितना डीएनए कंटेंट है टोटल, उसको उसका सी वैल्यू कहेंगे, ठीक है। तो वन सेट है, टू सेट है, तो वन सेट मतलब एन, टू सेट मतलब टू एन, समझ गए बात को। वन सेट मतलब हैप्लॉइड सेट, हैप्लोइड सेल की बात कर रहे हैं, और टू सेट है तो डिप्लॉइड सेल की बात करेंगे। इतना तो आई थिंक आपको आता ध्यान बच्चा, तो मैं लिख देती हूँ डीएनए कंटेंट, टोटल भी बोल सकते हो, डीएनए कंटेंट इन अ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, समझ गए बात को। तो पहले तो तुम्हारे भेजे में यह आना चाहिए कि सी वैल्यू होती क्या है। तो सी का मतलब होगा कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में कितना टोटल डीएनए फिक्स्ड है, स्टोर है, उसी को ही उसका सी वैल्यू कहेंगे। अब मैं एक सेट बोल दिया तो मैंने यहाँ पर एन की बात करी है, मैंने किसकी बात करी है, एन की बात करी है। अब बच्चा अगर मैं यहाँ पर एनिमल सेल ले रही हूँ, तो अगर आपको ध्यान होगा, अगर मैं हैप्लोइड, एन क्या माना जाता है, एन इज हैप्लोइड माना जाता है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम को हैप्लोइड ही बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम वन सेट में हो तो उसको हैप्लोइड सेल बोलेंगे, जिस सेल में, और जिस सेल के अंदर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसको अपन डिप्लोइड सेल्स बोलते हैं। ये तो बता आपको ध्यान है बच्चा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जब वन सेट के अंदर, वन सेट में डीएनए कंटेंट सी है, तो टू सेट में कितना होगा, टू सी होगा। तो अगर एन के अंदर कितना होगा, सी होगा, तो टू एन में कितना होगा, टू सी होगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए। अब ज़्यादा दिमाग मत लगाना, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, थोड़ा एडिशनल है, थोड़ा ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ज़्यादा बुद्धि मत लगाना, बस जो बता रही हूँ उतना ध्यान रख लो, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो सी क्या होता है, डीएनए कंटेंट इन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट का मतलब है एन नंबर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में कितना डीएनए कंटेंट है उसको उसका सी वैल्यू कहेंगे। तो टू सेट ऑफ क्रोमोसोम में कितना हो जाएगा, टू सी हो जाएगा। फोर सेट में कितना हो जाएगा, फोर सी हो जाएगा। समझ गए ना बात, बुद्धि आ गई ना, मतलब ये वाला समझ समटम आ गया ना, आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम कैसे टू सी वगैरह बना, ये सब मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा। अब अपन बोले मैम ये चीज़ बात क्यों कर रहे हैं, तुम तुम्हारी एनसीईआरटी खोलना, जब तुम तुम्हारी एनसीईआरटी खोलोगे तो एनसीईआरटी में कुछ टर्म्स दे रखी है, इसलिए बताना बताऊँ ना, अगर नहीं होता तो मैं आपको नहीं बताती, लेकिन आता है क्वेश्चन तो समझ लो। अब मैं बात कर रही हूँ एनिमल सेल की, मैं अभी मियोसिस की कोई बात नहीं कर रही। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, तुम्हारी इच्छा हो तो मान लो, है ना, मान लेते हैं मियोसिस को छोड़ो, क्योंकि आपको इतना तो पता है कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है। माइटोसिस ऐसा डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर पेरेंट के डॉटर के अंदर सेम रहते हैं, पता है ना। और मियोसिस में क्या होता है, पेरेंट से डॉटर में हाफ हो जाता है, तो ध्यान है। हैप्लोइड सेल बनती है, डिप्लोइड से हैप्लोइड सेल बनती है मियोसिस में, और डिप्लोइड से डिप्लोइड सेल बनती है अपने माइटोसिस में। जनरली एनिमल सेल की बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, मैं आपको खैर इसके बारे में आगे बात बताऊंगी। अब मैं बोल रही हूँ कि अब मैं एग्जांपल लेके चलूँ, अब मैं अपन किसके बोलते एग्जांपल लेके चल रही, जो आपकी बुक में दे रखा है ना वो वाला बताऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ध्यान रख लेना, बट आप एक समझने के लिए समझ जाओ, ठीक है। एनिमल सेल में जो ये डिवीजन हो रहा है, मैं मियोसिस की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ माइटोसिस की बात कर माइटोसिस की बात नॉर्मल डिवीजन की, जिसमें क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल से बराबर रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए अपने डिप्लॉइड सेल, क्योंकि अपन कैसे हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं जो डिप्लॉइड सेल कहलाते हैं, 2n इज इक्वल टू 46 होता है, और हैप्लॉइड में 23 होता है, तो पता है, ठीक है। अब मैं आपको ये बोल रही हूँ
कि अपने ये जो सेल जो मैंने बनाई है, जो डिवीजन करने जाएगी, इस सेल को मैं यहाँ पर, ये जो सेल मैं बना रही हूँ इसको मैं डिप्लॉयड सेल बना रही हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या बना रही हूँ? डिप्लॉयड सेल, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि नॉर्मल अपनी सेल, हर एक सेल, अरे भाई भाई जो मियोसिस करने जाएगी ना वो भी अपनी डिप्लॉयड सेल होती है, तो भाई समझ गए ना, अपनी जो भाई अपनी बॉडी की हर एक सेल में क्रोमोसोम कितना है, डिप्लॉयड ही है, डिप्लॉयड सेल है वो, तो जब मियोसिस करता है तो हैप्लॉयड हो जाती है, बाकी अदरवाइज तो वो डिप्लॉयड सेल रहती है, ये तो ध्यान है अपन को। तो मान लेती है डिप्लॉयड सेल है अपनी बॉडी की जो आगे डिवीजन करने जाएगी। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। एट द टाइम ऑफ, इस टाइम जब वो डिवीजन करने नहीं जा रही है, उस समय इसमें क्या क्या होगा? अब मुझे एक बात और बताओ, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, ठीक है, ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ। मैंने बोला अगर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो सी रहेगा, और अगर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम तो टू सी रहेगा। वहाँ पर मैंने टू एन बनाया, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो कितना है? 46 है, तो डीएनए कंटेंट भी कितना रहेगा? डीएनए कितना कंटेंट भी कितना रहेगा यहाँ पर? 2C रहेगा। रहेगा ही नहीं रहेगा, वही बात आ गई। तो जो वो एंटर करने जा रही थी तब उसमें 2C था, 2N था। अब ऐसा एनसीईआरटी, पहले मैं समझा दूँ फिर मैं एनसीईआरटी की लाइन भी आपको बताऊँगी। अब ये डिवीजन करने स्टार्ट जा रही है, जीवन में जा रही है, क्या जीवन के एंड पर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर आई ये सेल, इसने अपने साइज़ को इंक्रीज़ करा। मैंने बोला था ना एक्चुअली में साइज़ कहाँ इंक्रीज़ करती है? जीवन के एंड पर, बात करी थी अपन ने। इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं लोग तुम्हारी बुद्धि के लिए, ठीक है। तो ये अपने पास 2N था, और हाँ अभी तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं हुआ है जिससे डुप्लीकेशन हो। मैंने बोला था रेप्लीकेशन के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, बट डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। तो एट द टाइम ऑफ जी, एट द एंड ऑफ द टाइम ऑफ जीवन फेज, क्या इसके क्रोमोसोम नंबर और डीएनए में कोई चेंज आएगा? आई होप नहीं आएगा। तो इस टाइम भी इसमें क्रोमोसोम का नंबर 2N है, तो यहाँ पर डीएनए कंटेंट भी 2N ही हो, 2C होगा। समझ में आ गया, क्योंकि बच्चा जीवन में कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है तो डबल होगा ही नहीं, तो फिर क्यों मैं उसको 4C लिखूं? क्यों लिखूं मैं उसको 2C ही तो लिखूंगी, इतना तो समझ में आ गया। अब आ जाओ, अब ये एंटर कहाँ करेगी? अब ये सेल करेगी एंटर एस फेज में, अलग ये अंदर ही थी, मैंने इसको समझाने के लिए बताया। एस फेज में क्या होता है? मैम हमें कुछ नहीं पता, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अब बच्चा, हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है उस बात पे, गौर करना, जब भी सेल डिवाइड करने जाती है और एस फेज में एंटर करती है तो कभी भी क्रोमोजोम डबल नहीं होते हैं, केवल डीएनए का ही रेप्लिकेशन होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते थे मैम इसमें ऐसा ऐसा, यही कंफ्यूजन और यहीं से ही क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखना एस फेज में ओनली डीएनए डबल्स, क्रोमोसोम वैसा का वैसा रहेगा। मैं भी डायग्राम बना के बताऊंगी, पर मैं लिख दूँ उसके बाद बताऊँगी, ठीक है। तो जब ये सेल यहाँ से यहाँ आ जाएगी, तो वो जब सेल एट द एंड, जब वो एस फेज से बाहर निकलेगी, तो डीएनए तो डबल हो गया, तो डीएनए कंटेंट, तो यहाँ पर वो जो सेल बनेगी तो वो तो रहेगी तो डिप्लॉयड ही, भाई क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन वो बन चुकी होगी 4C। क्यों? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट कर चुका है। टेंशन मत लो, अभी डायग्राम बना के बताऊंगी, बस बातों को सुनते जाओ। तो एस के एंड फेज में वो रहेगी डिप्लॉयड सेल तो रहेगी, क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर तो वही है, बस एक ही क्रोमोसोम में डीएनए डबल कर गया, तो डीएनए का कंटेंट तो डबल कर गया, लेकिन क्रोमोसोम तो सेम का सेम है। हाँ मैम बिल्कुल सही बात है। अब ये कहाँ एंटर करेगी, ये वाली सेल कहाँ एंटर करेगी? अच्छा मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देती हूँ, 4C। अब ठीक है, है ना, एक में लिख दे तुम समझ जाओ। अब ये एंटर करेगी G2 में, G2 के एंड में बताओ कैसी रहेगी ये? क्या कुछ हुआ है? क्रोमोसोम नंबर डबल होता है? नहीं होता, हमने पढ़ा नहीं होता। क्या डीएनए डबल होता है? नहीं मैम कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर 2N का 2N और 4C का 4C, और यही सेल अब एंटर करेगी एम फेज में, करेगी एंटर। अब आई होप आपको मैं वापस एक बार रिपीट करती हूँ, बच्चा समझो बात को। सी वैल्यू क्या होती है? सी होता है एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में कितना डीएनए कंटेंट, उसको सी वैल्यू से बोलते हैं। रट लो इसको, अच्छा होगा आपके लिए, ज़्यादा अंदर जाओगे इसके, जितना आप होगे जितना ज़्यादा कंफ्यूज होगे, तो जितना है बच्चा उतना ही था, बहुत एडिशनल है ये, इससे आया हुआ है एक दो बार क्वेश्चन, इसलिए बता रही हूँ, नहीं आता तो मैं नहीं बताती इसको, ठीक है, इसे इतना ध्यान रखो, है ना। अब मैंने बोला कि अगर वन सेट है तो इसका मतलब एन है, तो एन है तो उसमें वन सेट, अगर एन है तो उसमें सी रहेगा, और अगर टू सेट है तो डबल कर जाओ, 2C हो जाएगा। फिर अपन ने इसी कॉन्सेप्ट को अपने सेल साइकिल में अप्लाई करा, तो मैंने बोला कि यहाँ पर 2N था, ऑब्वियस बात है डिप्लॉयड सेल है, अपनी सेल कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। इवन हर एक की सेल जो डिवाइड करने जाती है डिप्लॉयड ही होती है, अपनी क्या प्लांट की भी ले लो, बस वो 2N का नंबर अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर अगर 2N है तो ऑब्वियसली बात है डीएनए कंटेंट भी कितना होगा? 2C होगा, समझ में आ गया। जीवन के एंड तक क्या कुछ डुप्लीकेट होगा?
भाई प्रोटीन बन रहा है, एंजाइम बन रहा है, किसके लिए? रेप्लिकेशन के लिए। रेप्लिकेशन हुआ नहीं है तो जीवन के एंड में जितना नंबर क्रोमोसोम का ना उतना ही वैसा का वैसे ही अपना पहले डीएनए भी रहेगा। तो 2n का 2n और 2c का 2c, ठीक है। अब एस फेज में टकरा, तो भाई एस फेज में क्रोमोसोम, याद रखना इस बात को, पूरी सेल साइकिल में क्रोमोसोम कभी भी रेप्लिकेट नहीं करते हैं, क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, अभी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। प्लस सिर्फ और सिर्फ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके आ रखा है, ठीक है। ओनली डीएनए रेप्लिकेशन अकर, डज नॉट, मैं हिंदी नहीं आ रही मेरे को, इन्हें क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं करता। तो यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर तो उतना ही रहेगा जितना था, लेकिन नंबर ऑफ डीएनए कंटेंट इज इंक्रीज, डबल हो जाएगा। अब कैसे होगा मैं अभी डायग्राम बताऊंगी, तुम शांति रख लो थोड़ा सा, ठीक है। चलो बढ़िया, अब ये सेल वापस कहाँ एंटर करेगी? G2 में एंटर करेगी। अब G2 में क्या कुछ रेप्लिकेट होता है? नहीं होता मैम, कुछ नहीं होता यहाँ, सिर्फ नंबर ऑफ इंक्रीज, जैसे प्रोटीन एंजाइम वगैरह बढ़ता है, RNA का और ATPase एंजाइम का स्टोरेज वगैरह होता है, बस इतना होता है। इतना अपन ने पढ़ा, क्या DNA रेप्लिकेशन होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्रोमोसोम होता ही नहीं वो। तो यहाँ पर भी सेल जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी। अब ये सेल एंटर करेगी M फेज में। अब ये सेल कहाँ करेगी एंटर? एम फेज में, और यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी। अब मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ, अब आई होप आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, अब सुनो मैं आपको डायग्राम बनाती हूँ। ये अपने पास एक क्रोमोसोम था, ये अपने पास एक, ये सेंट्रोमियर था और ये अपने पास क्रोमोसोम। मैम अब आप बोलो मैम ये तो क्रोमेटेड है, ये क्रोमोसोम क्यों बोल रहा है? अरे सुनते जाओ तुम, तुम्हारे भेजम बुद्धि मत लगाओ इतने, सुनते जाओ। ये अपने पास क्रोमोसोम था, सुनो अब है ना, इसको यहाँ से थोड़ा सा कट करते हैं, तो कुछ इस तरीके का अपन को डायग्राम देखने को मिलता है। और इसके ऊपर ये अपना काइनेटोकोर है, कुछ ऐसा ही था अपन ने डायग्राम देखा था। अब सुनो, और ये इसके पास क्रोमैनीमेटा, ये है क्रोमैनीमेटा। अब क्रोमैनीमेटा ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारा डीएनए कंटेंट, ये है एक तरीके का डीएनए ही है भाई, मैंने आपको बोला था, याद आ रहा है कुछ, मैंने बताया था क्रोमैनीमेटा को डीएनए ही बोल सकते हो आप, इसमें न्यूक्लियोसोम में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बस सीधा सिंपल समझाने की, इसमें डीएनए है, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये कैसा है अभी जो गया था एंटर, ये 2n है, 2n के साथ ये कैसा है 2c है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब सुनते जाओ बात को, है ना। अच्छा, ये अभी ऐसा कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। अब इसको 2n बनाना, अभी कैसे बनेगा? अब क्या होगा, यहाँ लिख देती हूँ, है ना, ये 2c है। अरे अभी कुछ नहीं लिख रही, हटाओ पहले, रुको मैं बना दूँ। अब पता है क्या होगा, अभी आपको एक ही दिख रहा है, अब आप लोग मैम तो एक ही है, अब इसको आप 2n बनाओ ना, अभी तो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है, अब इसको 2n बना रहे, सुनो सुनो शांति रखो, देखो बनेगा। देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, जो डीएनए है, वो भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही एस फेज में आएगा तो वापस बनाओ, एक क्रोमोसोम और बनाओ। जैसे एस फेज में आया, ये अपने पास सेंट्रोमियर और ये अपने पास, ठीक है, ये हुआ। एस फेज में आते ही यहाँ पर होगा रेप्लिकेशन, किसका होगा रेप्लिकेशन, किसका होगा बताओ? अभी अब मैंने बताया सिर्फ डीएनए का, तो ये डीएनए था अपने पास, ये डीएनए था, ठीक है, तो इसका रेप्लिकेशन होगा। एक मिनट है ना, मैं दूसरा ले लेती हूँ। तो यहाँ पर कॉपी बनेगी, कॉपी डीएनए बनेगी, पता है ना स्ट्रैंड की कॉपी होती है, एक पेरेंटल होता है और एक डॉटर डीएनए होता है, पता है ना ये तो बच्चा, तो ये देखो बन गया। तो बताओ एस फेज के एंड में आपको क्रोमोसोम तो एक ही था, तो क्रोमोसोम तो वही था लेकिन डीएनए का डुप्लीकेट हो गया, तो मैं वही तो रामायण गा रही हूँ। तो बताओ यहाँ पर क्या 4c नहीं हो जाएगा? क्या यहाँ पर 2c था? यस मैम था। यहाँ पर 4c है? यस मैम। हो गया, हो गया नहीं होगा? अब आप बोलो मैम क्रोमोसोम का कुछ करो, क्रोमोसोम डबल नहीं करेगा। अब क्रोमोसोम, अब आपको एक दिख रहा है, अब क्रोमोसोम को डबल करते करें, चलो अब यहाँ से क्रोमोसोम स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे देखो, आप थोड़ा बड़ा बना देती हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ से ये स्प्लिट होगा, ये देखो कुछ अच्छा लग रहा है डायग्राम, कुछ ऐसा डायग्राम आपको देखने को मिलता है। हाँ ये देखो, अब हो गया 2n, अब रोना मत। ये तो था डॉटर, ये था अपना डॉटर डीएनए और ये अपने पास पेरेंट डीएनए। अब बताओ हो गया, रो रहे थे इतनी देर से, लो तो बताओ ये बन गया क्रोमोसोम, अब मत रोना, ठीक है। तो बताओ ये अपने पास कुछ, ये डायग्राम अपने पास देखने को मिलता है, तो ये कुछ इस तरीके का, ये अपने पास काइनेटोकोर है, ये तो पता ही है तुमको ना, ये तो तुम होशियार हो वैसे। तो बताओ ये हो गया अपने पास 2n और ये हो गया अपने पास 4c, ठीक है। तो देखो क्रोमोसोम में डबल नहीं करा, सिर्फ डीएनए ने अपने आप को डबल करा। एट द एंड ऑफ एस फेज आपको कुछ ये सेल दिखेगी, दिख गई? तो क्रोमोसोम तो एक ही था ना। अरे भाई आपको ये क्रोमोसोम एक दिख रहा है, ये भी एक है। अब आप बोलोगे मैम या तो आम अलग अलग होगी, बच्चा भी अलग नहीं हुआ है, आपको
जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तब जाके आपको दिखेगा भी डबल हो रहा है, लेकिन है तो एक ही क्रोमोसोम, क्रोमोसोम तो एक ही है ना, क्रोमोसोम थोड़ी ना डबल करें। वो डबल कब होगा? जब स्प्लिटिंग होगी इनकी, और वो कब होगा? एट द एंड ऑफ मेटाफेज, एट द एंड ऑफ मेटाफेज में होगा स्प्लिटिंग। पता है ना, तब तो एनाफेज और मेटाफेज में अलग अलग होते हैं, तब ध्यान है बच्चा, ये अपन देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। तो स्प्लिटिंग होती है किसमें? यानी क्रोमोसोम बीच में से ही हाफ हो जाता है, लेकिन डबल नहीं होता, इसको डबल होना है। तो ये रेप्लिकेट नहीं करेगा, अपने आप को ही क्या कर देगा, दो में बदल देगा, और वो कुछ इस तरीके से बदलता है। तो आपको यहाँ पर आर्म्स भी दिखेंगे, चार आर्म दिख गई, लो दिख गई यहाँ पर। तो मैंने जो रामायण बताई थी वो मैंने आपको डायग्राम में समझा दी। आप बस इतना ध्यान रखो कि क्रोमोसोम कभी भी अपने आप को डबल नहीं करता है रेप्लिकेट करके, वो डबल करेगा स्प्लिटिंग, अपने आप को तोड़कर। और जब तक वो अपने आप को अलग नहीं करता, और पता है अब यहाँ पर क्या होगा, अब पता है अब यहाँ पर काइनेटोकोर से वो जुड़ेंगे स्पिंडल फाइबर, और ये इनको अलग अलग कर देंगे। तो ये एक अलग हो जाएगा, और ये फिर ये अलग हो जाएगा, लो क्रोमेटोफेज वैसा अलग हो गया। फिर जब फिर दूसरी साइकिल के अंदर, तो फिर कुछ इस तरीके से। तो रेप्लिकेशन सिर्फ डीएनए का होता है, अगर क्रोमोसोम को अपने आप को डबल करना है तो अपने आप को स्प्लिट करता है, ध्यान रखना इस बात को। तो बस मेरा बात यही मुझे आपको समझाना था, ये पॉइंट मुझे समझा। तो आपको ध्यान रखना है ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, कि जब सेल में एम फेज में जाती है तब उसमें डीएनए कंटेंट डबल होता है, यानी 4C हो जाएगा, बट वो सेल डिप्लोइड की डिप्लोइड रहेगी। यही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि सेल जैसी थी वैसी की वैसी ही थी, उसने अपने आप को चेंज नहीं करा, सॉरी क्रोमोसोम जैसी थी वैसी की वैसी ही थी, उसने अपना चेंज नहीं करा, बट डीएनए कंटेंट डबल हो चुका है, इसलिए अपने 4C करा। आया समझ में? ठीक है, अब मैं आपको देखो एक क्वेश्चन वगैरह आ रखे थे, बट देख लेते हैं जनरली, मैं आपको सिर्फ सीधा बता रही हूँ समझाने के लिए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सुनो, ये तो नॉर्मल हो गई अपनी सेल की बात, कि भाई डिप्लॉयड सेल है तो उसमें 2C रहेगा एट द एंड ऑफ आगे जाके। अच्छा ये बात ध्यान रखना, ये 4C नहीं रहेगा फिर आगे जाके, ये फिर अलग अलग हो जाएगा, तो वो 2N सेल जो होगी फिर आगे जाके 2C हो जाएगी, समझ गए ना? ये तो मैं बता रही हूँ एंड दैट ऑफ G2 ऐसा होगा। अब एंड दैट ऑफ स्प्लिटिंग के समय क्या होगा, अब ये अलग अलग हो जाएगा, तो फिर वो सेल वैसी की वैसी बन गई जो शुरुआत में थी, समझ गए ना बात को बच्चा? इतना तो समझो अब बात को, ठीक है। अच्छा मैं आपको अब फिर दिमाग लगा रहे होंगे कि मैम ऐसा तो फिर अपनी सेल, अरे बच्चा अभी डिवीजन नहीं हुआ, अरे तुम समझ लेना यार डिवीजन नहीं हुआ है, अरे मैं तो एंड ऑफ द G2 बता रही हूँ, अभी एंटर नहीं करी है ना फेज में, जब अलग अलग होगा तो हर एक क्रोमोसोम में 2N का 2C हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, द सेल ऑफ हैप्लॉइड है ना, अब एक हैप्लॉइड सेल है अपने पास, तो उसमें डीएनए कंटेंट कितना रहेगा, है ना, मान लो कोई ऊसाइट बोल लो, या एग बोल लो, ये स्पर्म बोल लो, जैसा भी, अरे बताया ना, अब देखो मैंने आंसर वैसे ही बता दिया। ऊसाइट और एग के अंदर ये क्वेश्चन आपके पहले आते थे, अब नहीं पूछते, बहुत एडिशनल है ये। ऊसाइट्स और एग कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, पता है ना बच्चा ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड में कैसा होता है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अब मैंने आपको बताया था वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो कैसा रहेगा, डीएनए कंटेंट भी वन कैसा रहेगा, आपके सिंगल ही रहेगा, यानी उसके अंदर डीएनए कंटेंट रहेगा सी ही रहेगा। तो अगर एन है तो सी एन है, वन है वन एन है तो 1C, 2N है तो 2C, 3N है ना तो 3C, समझ गए, ऐसा आ सकता है। दूसरे क्वेश्चन आया था आपके एंडोस्पर्म वाला, एंडोस्पर्म बच्चा आपको पता है, इन 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 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बच्चा, ये क्वेश्चन आपके आ रखा है शायद एम्स में आया था ये क्वेश्चन, एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म, क्योंकि एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है 3N, यानी ट्रिप्लॉइड, कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। तो बताओ मुझे जब 3N होगा तो उसमें डीएनए कंटेंट कितना होगा उस सेल्स में, 3C होगा, होगा नहीं होगा, ये हो गए इन एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, तो एन का सी ही रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये था टर्म जो मुझे आपको बताना था, आई होप आपको समझ में आया, अभी तो और बहुत कुछ बाकी है, अभी सुनते जाओ, ठीक है। तो ये टर्म आपको मुझे समझानी थी, आई होप आप बच्चा ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। मैं देखो मैं आपको फिर बोल, मैं इस फालतू कुछ नहीं बताऊंगी, जो काम का होगा, जो आपके आने लायक है वही उसी की बात करेंगे। अभी तो एक दो चीज़ और बताऊंगी, चेक पॉइंट्स की बात करेंगे अब अपन, कि कहाँ कहाँ पर सेल चेक होती है। अरे भाई काम इतना तगड़ा चल रहा है तो चेक भी तो किया जाएगा कि काम सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, फैक्ट्री सही से चला रहे नहीं चला रहे, इंसान लोग होना नहीं चला रहे, तो फिर अपना काम कैसे चलेगा, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये मुझे पॉइंट समझाना था, ये सी वाला पॉइंट जो आपके, अब आप बुक में पढ़ना, अब NCERT में पढ़ना, इतना डिटेल में तो नहीं है बट है ना कुछ दे रखा है उसको आप पढ़ना, आई होप अब आपको समझ में आ जाएगा, मेरी भावनाएं समझो, ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा। आई थिंक इससे समझने मेरी कोशिश है कि मैंने आपको आई होप समझाया है पूरी तरह से, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप मुझे बता देना, मैं वापस समझाओ, अगर लेक्चर पढ़ रहे हो तो मुझे बता देना, कोई दिक्कत वापस बता दूँ, लेकिन जितना मेरे को लग रहा है आई होप आपको समझ, ज़्यादा दिमाग मतलब बस ये पॉइंट ध्यान रखना।
ठीक है। तो इस तरीके की स्प्लिटिंग होती है। अब ये डायग्राम अपन पूरा माइटोसिस में पूरा ऐसे कैसे डायग्राम बनाएंगे तो इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब अपन जो बात करते हैं, अब अपना जो मेन टॉप वो है अपना चेक पॉइंट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेक पॉइंट? अब चेक पॉइंट क्या होता है? इंटरफेस हो गई। अब अपना ये टॉपिक इंटरफेस है। अगले लेक्चर्स में अपन बस अपना माइटोसिस और माइटोसिस स्टार्ट करेंगे बस। हाँ, अब सुनो, अब अपन के चेक पॉइंट। अब चेक पॉइंट्स क्या होता है मैम? मतलब चेक पॉइंट होता है कि सेल काम कर रही है। अरे तो भाई सेल को देख लो भाई, वो सही से काम कर रही है ना कर रही है। तो तीन जगह पूरी सेल साइकिल में तीन जगह चेक पॉइंट्स होता है। पहला, जीवन के एंडिंग पॉइंट पे, द एंड ऑफ जीवन में। लिखना पड़ेगा ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भाई सेल साइकिल में किस किस जगह चेक पॉइंट्स होते हैं। तो तीन जगह होते हैं। फर्स्ट पहले लिख देती हूँ मैं चेक पॉइंट्स, ठीक है, चेक पॉइंट्स में लिख देती हूँ, ध्यान से सुनेंगे सबके सब, ठीक है। फर्स्ट जगह पर होता है जीवन फेज के, हिंदी में लिख देती हूँ, के एंड पर, यानी यहाँ पर, यहाँ 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 पर, यहाँ 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 पर होता है फर्स्ट, ठीक है। लाइन वाइज ध्यान रखना है, ध्यान रखना, ठीक है। एक यहाँ होता है, दूसरा होता है जी टू फेज के एंड पर, एस वन में कोई चेक पॉइंट नहीं होता, ध्यान रखना। बच्चा ये क्वेश्चन आ रहा था, बोल मैम ये क्या? बच्चा अभी सुनो, भेजे लगा लो, थोड़ा सा सुनते जाओ बस। एक यहाँ होता है ना, और एक और होता है, और वो होता है कहाँ होता है? एट द एंड ऑफ मेटाफेज, एट द एंड ऑफ मेटाफेज, यहाँ पर। अब क्यों होता है मैं समझाऊंगी, मैं समझा देती हूँ ये वाला, एट द एंड ऑफ मेटाफेज, मेटाफेज के एंड पर। बच्चा ये एंड पर ही है, कोई भी स्टार्टिंग में नहीं है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब सुनो मैं आपको समझा देती हूँ, चेक पॉइंट का मतलब समझ में आ गया ना, कि सेल अपने आप को लगातार चेक करेगी भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए ना तुम भाई? जब पढ़ते हो तो तुम चेक भी तो करते हो अपने आप को, हाँ भाई हमें इतना इतना कर लिया वगैरह, समझ गए ना? अब मैं आपको तीनों का समझा देती हूँ कि क्या क्या चेक होता है। जीवन फेज में तुम बुद्धि लगाओ, तुम रटो मत, हर चीज़ को रटना नहीं है, समझो। जीवन फेज के जीवन में क्या क्या हुआ था? सेल का ग्रोथ हुई थी, सेल की ग्रोथ हुई थी तो प्रोटीन, एटीपी, आरएनए और रेप्लिकेशन के लिए डीएनए, सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स हुए थे। तो भाई अब जो वो एस फेज में जा रही है तो पहले एक बार देख तो ले भाई, एक बार देख ले भाई मैं एस फेज में जा रही हूँ डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, तो भाई देख तो लूँ मेरे एंजाइम सही काम कर रहे नहीं कर रहे। मैंने जो एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन के लिए लिए हैं, क्या वो सात के सात एंजाइम्स होते हैं? क्या वो सातों के साथ? वैसे तो होते बहुत सारे हैं, बट मैं एक बता रही हूँ, मतलब सात एंजाइम्स क्या वो पर्टिकुलर जमे हुए हैं कि नहीं है, क्यों डैमेज तो नहीं है उन एंजाइम्स में? तो पहले यहाँ चेक होगा। तो किसके लिए होगा चेक? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चेक होगा, क्योंकि आपको पता है एंड के बाद एस फेज में एंटर करेगा और एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो समझ जाओ ना, तुम बुद्धि लगाओ, तुम थोड़ी बस बुद्धि लगा लो बस, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा है जी टू फेज में। अब जी टू फेज में क्या होता है ये थोड़ा समझने लायक है। देखो याद करो, मैंने एक पॉइंट बताया था कि जी टू फेज में ट्यूबुलिन, अभी बताया था, बातें करी थी अब थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले, कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जी टू फेज में। बाकी और कुछ खास नहीं है, बस यही एक खास बात है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर स्पिंडल फाइबर है या नहीं है, है या नहीं है, समझ में आ गया? तो बस क्या वो स्पिंडल फाइबर, क्या सेंट्रियोल ढंग से काम कर रहे हैं, वो कौन चेक पॉइंट करेगा? जी टू के एंड फेज में। क्योंकि बच्चा अब जी टू फेज के बाद अब डिवीजन होगा, और डिवीजन होगा तो अब ये तैयार है तलवार लेने के लिए कि भाई मेरे को अब न्यूक्लियस डिवाइड करना है। तो अब उसके लिए डिवाइड करना है तो मुझे क्या चाहिए? सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के लिए क्या चाहिए? मुझे स्पिंडल फाइबर चाहिए। तो भाई ये तो बोलेगा ना उसको भाई जी टू चाहे, भाई वो जी टू अब एंटर कर रहा है मॉडिफिकेशन फेज में, या मतलब एम फेज में, तो इसको बहुत खुशी हो रही है कि भाई मैं एक बार वापस चेक कर लूँ। तो क्या चेक करेगा जी टू वाला फेज क्या चेक करेगा? कुछ नहीं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन को चेक करेगा, स्पिंडल फाइबर को चेक करेगा कि भाई सही से है या नहीं है तू, भाई तू धोखा मत दे देना, यही वाली बात है। तो पहला जीवन में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम चेक होते हैं, जी टू फेज में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए उसके माइक्रोट्यूब्यूल्स या ट्यूबुलिन प्रोटीन चेक होता है, क्लियर। अब बात करते हैं कि मैम मेटाफेज में चेक पॉइंट कहाँ से होगा? अगर बच्चा थोड़ा सा अगर पता हो, देखो मैं अभी बताऊंगी वैसे माइटोसिस में, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ध्यान हो तो मेटाफेज के अंदर अगर ध्यान हो तो काइनेटोकोर से, ध्यान से सुनो, मेटाफेज में ये वाली स्टेज देखने को मिलती है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान हो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर मैं बता देती हूँ। मेटाफेज में काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जुड़ जाते हैं, और एनाफेज में, अब देखो मैंने यहाँ लिखा एंड में, तो पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। अब ये एनाफेज में, अब एनाफेज की खास बात ही क्या होती है कि क्रोमेटिड्स अलग अलग होते हैं, इतना तो पता है ना। तो भाई अब ये एंटर करेगा एनाफेज के स्टार्टिंग में, एनाफेज फर्स्ट में, तो भाई ये पहले चेक कर लेगा कि भाई मेरे ये मैं खींचने जा रहा हूँ, क्या मैंने यहाँ पर डोरी सही से बांधी है या नहीं बांधी है। तो
अटैचमेंट देखता है ये स्पिंडल फाइबर का काइनेटोकोर के साथ। कौन देखेगा? माइटोसिस में अंदर देखेगा, और कब देखेगा? एंड पॉइंट पर। समझ गए बात को? तो बच्चा स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन अच्छे से हुआ नहीं हुआ ये देखेंगे G2 में। भाई ये ठीक है नहीं, ये रस्सी काम की है या नहीं है, तो भी देख ले ट्यूबुलिन प्रोटीन सही बन रहा है नहीं बन रहा है। जीवन में क्या होगा? जीवन में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए देखा जाएगा एंजाइम, और कहाँ गया, हाँ मेटाफेज के एंड में क्या देखा जाएगा? भाई रस्सी सही से बांधी है या नहीं बांधी है, अगर ढीली है टाइट कर भाई उसको, बिना उसके टाइट अटैचमेंट के एनएफएस में नहीं जा सकता। समझ गए? बुद्धि आ गई, ठीक है। तो ये तीन जगह चेक पॉइंट्स, और सबके एंड पॉइंट पे, ये बात ध्यान रखना। तो जीवन में तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चेक पॉइंट होता है, G2 के लिए स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन अच्छे से हुआ या नहीं होगा, मतलब भाई सेंट्रोल अच्छे से बन गया भाई, उसका स्पिंडल फाइबर होगा नहीं होगा, मतलब समझ गए ना बात को। और इस जगह स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुके हैं, क्या यहाँ पर अटैचमेंट सही से हुआ या नहीं हुआ ये चेक करेगा, तभी तो फिर वो अच्छे से उसको खींच के अलग अलग कर देंगे फिर इनको, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मुझे आपको बहुत सारी बता, वैसे तो अभी और करते रहेंगे बातें, मैं माइटोसिस स्टार्ट करूँगी तो बहुत सारी बातें बताऊँगी मैं आपको। तो ये अपना सेल साइकिल वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका, अब इसके बाद अपन एक्चुअली स्टार्ट करेंगे सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल में मैंने आपको बता दिया, अब मेरे को दो तीन बातें बता दी थी ना, वो कुछ टर्म्स थी, मुझे आपको समझा देती हूँ, उसके बाद फिर अपन अगले लेक्चर में माइटोसिस वाला कंप्लीट करेंगे। तो तुम थोड़ा ना पॉजिटिव एनर्जी, शांति रहना, ठीक है। हाँ, तो पहला तो आपको ये आई होप देख लो एक बार, ठीक है। चलो अब मैं आपको दो तीन टर्म्स बता देती हूँ ना, ये हो गया, सेल साइकिल कंप्लीट हो चुका है, मुझे जितना एक्स्ट्रा समझाना था मैंने आपको समझा दिया। अब सुनो, और भी अगर रह गया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब बता दूंगी, सब कवर कर दूंगी, उसकी चिंता मत करो। अब मुझे आपको समझाना था बच्चा, देखो बच्चा एक बात ध्यान रखना, केरोकाइनेसिस के बाद ही साइटोकाइनेसिस होता है, पहली बात। तो कभी भी साइटोकाइनेसिस होता है तो कभी केरोकाइनेसिस नहीं। देखो मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहती हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं आपको बताऊँ, मैं नहीं चाहती मैं चीज़ छोड़ू, मेरे कब से ये हो रहा है कि मैं बताऊँ, बताऊँ, वैसे तो पता होगा लेकिन फिर भी बच्चा देखो, जब सेल डिवाइड होती है तो डिवाइड के समय पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देन फिर सेल डिवाइड होती है। लेकिन जब कोई सेल से फ्यूज़ होती है तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करता है, देन न्यूक्लियस फ्यूज़ करता है, समझे? उल्टा कर देना। देखो बच्चा मुझे पता है आपको पता होगा, लेकिन मेरा तो काम है बताना, तो मैं तो बताऊंगी। मैंने बोला कि जब सेल डिवाइड करती है तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, देन उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। लेकिन 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 अगर सेल, कोई सेल है जो फ्यूज़ हो रही है, कोई दो सेल है ना, मान लो ये सेल है, ये एक सेल है जो डिवाइड कर रही है, तो सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, देन फिर ये दो सेल में डिवाइड होती है। लेकिन अगर कोई दो सेल है ना, अगर ये फ्यूज़ करना चाहती है तो सबसे पहले इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होता है, पहले इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होगा, देन इनका न्यूक्लियस फ्यूज़ होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी, याद रखो, तुम याद रखो, दिल पे पत्थर रख के ढको इसको, मैं मैम याद है हमको ये बात, अरे ध्यान रख लो, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही दिखती है, हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लेना, ये देखने को मिलता है आपको नॉर्मली जब फ्यूज़न ऑफ गैमिट्स, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इन टर्म को क्या बोलते हैं? जब डिवीजन होता है तो काइनेसिस लगाते हैं पीछे, जब फ्यूज़न होगा तो गैमी लगाएंगे। तो जब फ्यूज़न होता है तो जब साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करता है उसको बोलते हैं साइटोगैमी, और जब न्यूक्लियस फ्यूज़ करता है उसको बोलते हैं कैरियोगैमी। गैमी इज फॉर फ्यूज़न, ध्यान रखना, काइनेसिस इज फॉर ब्रेकडाउन, तो यहाँ ये ध्यान रखना है। तो सेल डिवीजन में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, देन साइटोकाइनेसिस होगा, बट सेल फ्यूज़न में फर्स्ट साइटोगैमी होगा, देन कैरियोगैमी होगा, ये बात ध्यान रखना। और अगर आपको, वैसे तो नहीं बताना चाहिए, वैसे तो मैं यूँ ही है, थोड़ा बहुत समझ लो, फंजाई के अंदर बच्चा आपको ऐसा कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, उसको देख लेना अच्छे से, चेकआउट कर लेना उन पॉइंट्स को, मैं अभी बता रही हूँ। फंजाई में साइटोकाइनेसिस साइटोगैमी तो हो जाता है बट कैरियोगैमी नहीं होता, तो ऐसी से वैसे मैं बताऊँगी, आगे बात करेंगे इसके बारे में, तो ये बात ध्यान रखना। तो आया समझ में आपको? तो एक बार देखो इसको अच्छे से, आई होप आपको समझ में आएगा। अब अपन कुछ नहीं पढ़ना है, अब अपन को अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करना है। मुझे बच्चा ये समझा, मतलब मैंने क्या बोला, सेल साइकिल से एक क्वेश्चन आता है और दूसरा क्वेश्चन माइटोसिस मियोसिस से किसी एक में से आएगा, लेकिन दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा सेल साइकिल से, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सेल साइकिल के बारे में, बहुत सारी बातें बताई, ये पॉइंट्स ध्यान रखना, ये 2C 4C वाले रट लेना, अगर कोई सेल दे रखी हो तो स्पोर मदर सेल होगी तो वो भी 2N होगी, तो उसमें 2C होगा, स्पोर्स होगा तो वो N होती है, घुमा दिया क्वेश्चन तो वो C होगा, ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखो, तो बुद्धि लगा लो बस। और ये सेल वाला ध्यान रखना जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा, अब एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है, और एक बार देख लेना इसको, और ये कैसा होता है इसके बारे में चर्चा और करेंगे। मुझे पता है ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आपको रग रहा होगा, टेंशन मत लो। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। अगले लेक्चर में अमाइटोसिस,
माइटोसिस और माइटोसिस कंप्लीट करेंगे, तीन लेक्चर ज़्यादा, तीन लेक्चर बस, ठीक है, फिर अपन मेयोसिस वाला कंप्लीट करके चैप्टर कंप्लीट, क्योंकि मुझे कुछ बहुत सारी बातें बतानी है, जैसे मैंने एक्स्ट्रा चीज़ बताई वैसे ही बताऊँ, ठीक है। तो चलो इस लेक्चर को एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया। एक बार यहाँ तक पूरा एनसीईआरटी पढ़ लेना, आई होप मैंने ज़्यादातर चीज़ें कवर कर ली है एनसीईआरटी की, है ना, और भी अगर कोई दो तीन चीज़ छूट गई होगी तो फिर मैं उस माइटोसिस में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलो एक बार पढ़ लेना, ठीक है, थैंक यू।